अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, बेहतरीन होंगे। बारिश बहुत से यार, सॉरी, बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश है बाहर, बहुत जाहिर है। ओवरकोट पहन के आना पड़ा ना यार, मैं आप लोगों को सच बताऊं, आप बहुत पेटीट सी हो ना, आप छोटी सी हो तो आपने जैकेट मैं बताती हूँ इस जैकेट की वजह से। गेम देखी हुई थी जिसमें से ऐसे करके निकलते थे, ऐसे करके मारते थे, ऐसे करके निकलते थे, ऐसे करके मारते थे। पहले आप लोग अपना नाम दे दें। मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार, ये हुमायूं ज़ेब अब्बासी। तो नाम दे दिया मैंने। अब मैं बता देती हूँ ये जैकेट पहनने की वजह। एक तो ये जैकेट पहनने की वजह ये कि जिन डिज़ाइनर की है उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ ये पहन लो, और दूसरा मैंने भी सोचा कि हमारे स्टूडियो में मैं कहती हूँ कोई खैर किस्म की ठंड जो है ना वो यहाँ सर्दी बिल्कुल पैराशूट जैकेट से कभी सर्दी। आप पहन के देखो, मैं अभी शो के बाद आपको उतार के दूंगी, आप पहन के देखना, इट्स वेरी वार्म। अब जो ब्लैक हैनिक पहनी हुई है फिर दे देना। नहीं ब्लैक है, नहीं खाता यार, मेरे पास तस्वीर है जी, ये जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप पहनो, और यहाँ पे माशाल्लाह इतनी ठंड होती है कि अगर आपने किसी को अपने खानदान में कोई सजा देनी हो तो उसको आप सजेस्ट करें कि वो हमारे स्टूडियो में आके थोड़ी देर के लिए बैठे, ये सजा जो है वो उसके लिए काफी होगी। ये तस्वीर अगर जूम हो सकती है? नहीं हो सकती, हो सकती है, थोड़ी सी तो नजर आ रही है, कितनी मोटी लग रही हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपको सर्टिफिकेट मिला है किस चीज के लिए? सर्टिफिकेट ये देखिए, थोड़ा और करीब करें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये है। ओ चले गए वापस हम, हो गया, हाँ, नजर इतना ही हो सकता है। हाँ। अच्छा ये बता दो ये क्या था? ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एमफिल की डिग्री, आई गॉट इट। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे अब मेरी एमफिल की डिग्री मिल गई है। और इधर से पैसे पड़े ना इसमें? हाँ सर, डोंट यू डेयर टू टेक, निकाल ले, निकाल आप लोगों को कल मैं मिठाई खिलाऊंगा इंशाल्लाह, कल इस केक खिला दूं, खाना खिला दूं, कल बुद्धे वैसे भी बिरयानी बनेगी। ना 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 ना, कल मीठा वो वाली बिरयानी नहीं खाती। नहीं मैं मीठा नहीं खाती। क्या खाना आप लोगों ने? अच्छा पहली तक का इंतजार हो सकते हैं? हालात थोड़े से टाइट है। नहीं नहीं, जो इंतजार जिस चीज के लिए किया है ना वो फिर बहुत लंबी होगी। नहीं नहीं, मैंने तो तुझे पता है हमेशा खिलाया है। I've never said no. तो पहली तक का इंतजार कर ले, खाना खिला लूंगा, अगर मीठा खाना है तो मैं कल खिला देता। नहीं मीठा नहीं खाना मैंने भाई, खाना खाना आप सब भी कहते मीठा नहीं खाना। चले डन, मीठा खिला देता, फीका खिला देता, और कोशिश करूंगा कि फीका नहीं होता, नमकीन होता, नमकीन। तो मैं ये करूंगा कि मैं आप लोगों को खुद बना के खिला दूं बिरयानी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आई विल मेक बिरयानी मायसेल्फ और मैं आप लोग खिला दूं। इज दैट ओके? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को, अच्छा आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत और ज्यादा तरक्की करें, खुशहाल। यू नो व्हाट माय मदर डिड? दैट वाज द बेस्ट जेस्चर। मेरी मां ने जो किया वो बहुत, मैंने ना गाड़ी में रखी हुई थी डिग्री, तो मैं निकलने लगा ऑफिस के लिए, कल की बात है, तो मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा मेरी डिग्री मुझे मिल गई है तो आप ये रख लेना। तो मेरी अम्मी ने ना ऐसे ली डिग्री मेरी, ठीक है, कहती है ओह अच्छा माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा जो है माशाल्लाह इतना कामयाब हो रहा है, इतना लाइक फाइक है, ऐसा ऐसा कह के जिंदगी में अपने सक्सेस के करियर में कैसे डिग्री की है, बहुत मुश्किल से। आई हैव सीन हुमायूं स्ट्रगलिंग विद हिज जॉब, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन चल रही थी वो, और फिर एमफिल के पेपर्स, बहुत ज्यादा, बहुत दफा हुमायूं। एंड देन एट दैट टाइम आई वाज डूइंग दो अनजाने एज वेल, जब मेरे था दो अनजाने भी कर रहा था, ही वाज वेरी मच एग्जॉस्टेड। और फिर यहाँ आके, यहाँ पे हमारा जो अब हमने बना लिया अपना कुछ इस किस्म की केमिस्ट्री कि अगर आप फुल ऑफ एनर्जी ना हो तो बड़ा फीका सा प्रोग्राम लगता है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एनर्जी इनपुट करनी पड़ती थी। कभी कभी वैसे हम हुमायूं को कहते थे कि हुमायूं अगर आपसे नहीं हो पा रहा या कुछ इस किस्म का मसला है तो इट्स ओके, लेकिन हुमायूं वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं, मैंने अपना बेस्ट हर जगह पे देना है। बड़ा साथ दिया, मुझे अभी तक याद है एक शो ऐसा था कि मेरा पेपर था दिन और आरफीन को आपने होस्ट करा कर दिया था, दैट वाज द वर्स्ट डे। वो दिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हुआ ये था कि मेरा पेपर था और मेरा पेपर 4 बजे खत्म होना था, तो मैं रमजान ट्रांसमिशन करता था, मैं अपना पेपर 3:30 खत्म करता था ताकि मैं यहाँ पे पहुंच सकूं, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, फिर थोड़ी पफिंग भी होती थी। हैट्स ऑफ टू हसनैन भाई, हसनैन भाई मुझे मार्जिन देते थे, कहते तुम बस आखिरी टाइम पे पहुंच जाया करो, कोई मसले नहीं, पहुंच जाओ, बस पहुंच जाओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि मेरा पेपर था थोड़ा मुश्किल था, अब हो गए मुझे 4:45 से ज्यादा टाइम हो गया, मैं यहाँ पे पहुंच गया। कुछ पेपर्स होते हैं ना लेंथी हो जाते हैं, तो अरफीन यहाँ पे खड़ा हुआ था, और जब अरफीन वाज रियली हैप्पी कि दैट
he's going to host the show. Because in first place he was very nervous कि मैं कैसे करूँगा क्या होगा, लेकिन फिर थोड़ा सा जब हमने उसे बकअप किया ना कि इतने दिन से कर रहे हो और ये तो मतलब बहुत खुश भी था कि he's going to host it. फिर मैं अचानक से अंदर आया तो हरफीन कहता है यार मुझे भी नहीं क्या आता है इस तरह क्या है, क्योंकि बच्चे अपने इमोशंस को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते ना जिस तरह से बड़े कर पाते. एंड वन मोर थिंग, मेरे अब्बू को जब मैंने डिग्री रात को दिखाई तो मेरे वालिद साहब इज माशाल्लाह वेरी वेल एजुकेटेड इंसान, तो उन्होंने मुझे एक चीज ऐसी कही जो एक बड़े देसी फादर कहते हैं, उन्होंने जान के मुझे कही, उन्होंने मेरी डिग्री देखी, वो पहले अपनी ग्लासेस लेकर आए, द टिपिकल स्टाइल, द टिपिकल स्टाइल ऑफ अ फोर्सेस पर्सन, उन्होंने ऐसे लगाई पढ़ी, कहते ओ ओ ये तो डिग्री मेरी है. मैंने कहा क्यों, व्हाई वुड यू से दैट, मैंने कहा आप ये क्यों कह रहे हैं, कहते हो कि इसमें तो मेरा नाम लिखा है, मैंने कहा क्या आप मेरे अब्बू हैं, लिखा है सन ऑफ ऑरिजिन, सो ही वांटेड टू शो मी दैट हाउ हैप्पी आई एम दैट दिस डिग्री इज माइन. So he wanted to belongs say, but to I me. Was, this is something that मेरे लिए शायद वो मेरी माँ और मेरे बाप का जेस्चर जो था वो मेरी डिग्री की पूरी मेहनत पूरी होगी. बहुत बेहतरीन. पेरेंट्स जो हैं वो अपनी खुशी, अपने बच्चों की खुशी में शायद अपनी खुशियों से ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने बच्चों को वही बनाना चाहते हैं जो शायद वो खुद भी नहीं बन सकते. मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हालात वाकयात जिम्मेदारियों की वजह से अपनी जिंदगी में वो अचीव नहीं कर पाते जो वो चाहते होते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब हमने नहीं किया तो हमारे बच्चे जो है वो कर ले. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी अम्मा और अब्बा ने कहा कि अब गॉड डिग्री चाहिए हमें पीएचडी की, इंशाल्लाह ताला डॉक्टरेट की, ताकि आपको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दे, इंशाल्लाह फिर ताकि मेरे नाम आपको बाकी पता है कि डॉक्टर कहते ही पीएचडी होल्डर को. ये हमने जो है वो एमबीबीएस, जाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा पेशा है और हमारी नजर में उसकी भी बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन जो टाइटल की बात कर रही हूं, टाइटल की मैं बात कर रही हूं, जो डॉक्टर का टाइटल नामों के साथ इन्वेंट किया गया था वो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए ही इन्वेंट किया गया था, या फिर उस बंदे के लिए जिसने स्पेशलाइज की जो आखिरी डिग्री है डॉक्टरेट में भी स्पेशलाइजेशन बहुत सारी चीजों में ऑब्वियसली होती है, हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट आ भी चुके हैं इस शो में, तो उनके लिए जी ये बना था, लेकिन अब जो है वो हम दूसरे डॉक्टर्स को भी कहना शुरू हो गए. अच्छा हुमायूं, आज आपके लिए एक बड़े मजे की चीज लेके आई हूं. हां, पर मैंने कहा हमने कल डिस्कस नहीं की एक चीज छोटी सी. क्या? द शोएब मलिक एंड सना. डू यू थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस? I don't want to comment. अच्छा चलो आप करो फिर मैं करती हूँ कॉमेंट. अच्छा मुझे लगता है मलिक जी ने सना जावेद के साथ तीसरी शादी कर ली और सना जावेद ने शोएब मलिक के साथ उनकी बेगम थी आयशा, दूसरी बेगम थी उनकी सानिया और तीसरी है सना जावेद. आयशा की स्टोरी आप सबको पता है कि कॉल पे उनकी बात हुआ करती थी और उन्होंने निकाह कर लिया तो कितने दिल फेंक और शोएब मलिक वैसे बहुत लाउडली ये हमेशा कहते भी है, ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ इट, कि मैं बहुत दिल फेंकूं, मेरी लड़कियों के साथ जितनी दोस्तियां हो जाती हैं जितनी मैं उनके साथ दोस्ती नहीं, करने नहीं, में नहीं, नहीं, कंफर्टेबल. सॉरी हलीमा, उन्होंने ये बात नहीं इस तरह कही. नहीं उन्होंने आप बड़े उसको तमीजदार करके सब बता रही हैं. शोएब अख्तर के शो में आप लोग वैसे अगर जाके देखना भी चाहे तो देख सकते हैं, शोएब अख्तर के शो में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बड़ा दिल फेंकूं, मेरी लड़कियों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, और अगर ये कहा जाए कि लड़कों से ज्यादा मेरी लड़कियों से दोस्ती होती है तो ये गलत नहीं होगा. ना ना मेरी लाल बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, मैं नहीं कह सकती ना, हमारे लिए जाके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक भी हो, सौ भी हो, पांच सौ भी हो, फिर भी कम होती हैं, वो ये कह रहे थे, कुछ इस तरह की बातें कह रहे थे. बट अगर आप आज सानिया मिर्जा के, मेरे इंस्टाग्राम पे आज एक वीडियो लगाई, अगर आप सानिया मिर्जा का इंटरव्यू देखें, एज अ पाकिस्तानी, हलीमा अब सवाल आपसे है, जी जी, आपसे ये सवाल जान के, क्योंकि आप उस तरह की हैं जैसे सानिया मिर्जा, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, यू आर वेरी डोमिनेंट, ठीक है, यू हैव दैट डोमिनेंट पर्सनैलिटी, ठीक है. आजकल के मर्द, मुझे मंसूर की एक बात, और मैंने कभी एक दफा से मुलाकात हुई है नीचे पार्किंग में, लेकिन मंसूर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि he's not an insecure man. No, 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 he's not a husband, but insecure man. No, एक डोमिनेंट बीवी हमेशा एक मर्द को, जब भी कोई दबरदंग औरत होती है ना, मर्द उससे हमेशा क्यों डरता है, क्यों उसके लिए थ्रेट होता है, क्यों वो इनसिक्योर होता है. सानिया मिर्जा और आप उसके रिलेशनशिप पे देखें, जितना मैंने पढ़ा जितना मैंने देखा, तो शोएब मलिक को, शोएब मलिक ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, मुझे अभी तक याद है, वो कहते हैं कि मुझे लोग एज अ क्रिकेटर नहीं जानते, मुझे जानते कि सानिया मिर्जा का हस्बैंड है. मैं ये समझती हूँ कि शोएब मलिक को जितना सानिया मिर्जा ने ग्रूम किया उनके साथ, ग्रूम इन अ सेंस में कह रही हूँ कि जब आप किसी के साथ बनते हैं तो उस बंदे की वजह से आप बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हैं, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी नई चीजें देखते हैं. मैं पैसे की वजह से नहीं कह रही, क्योंकि पैसा माशाल्लाह से शोएब मलिक साहब के पास भी बहुत ज्यादा है, एज ए क्रिकेटर उनका बहुत लंबा बहुत अच्छा सारा टेन्योर रहा है, मुझे बड़े पसंद है वो, लेकिन अजीब से जो है ना चीज मुझे हुई कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी बीवी को मुझे नहीं समझ में आई. बट हाँ, बेटा भी आपका एक था, और लेट्स ये बात करने का मकसद आज ये था
कि लेट्स नॉट नॉर्मलाइज डाइवोर्स, इसको नॉर्मलाइज नहीं करते. अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है मियां बीवी का, ये बंधन आप तब बांधे बंधन जब आप रेडी हो. बेशक अच्छा, आप देर कर ले, आप लेट कर ले, जैसे मैं हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन फॉर योरसेल्फ. इससे बेहतर है कि आप ऐसे रिश्ते में जबरदस्ती बन जाएं जो आप बाद में तोड़ दें और नॉर्मलाइज करें. अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद कोई चीज है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती बताएं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद चीज तलाक है और हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, इसे नॉर्मलाइज ना करें. यकीनन मैं और हलीमा उन शुएब और सानिया ने और जो भी एक्स वाई जेड जो भी लोग शादी करते हैं वो हैप्पी फॉर देम, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप इस चीजों को नॉर्मलाइज ना करें. एक चीज जिससे मुझे सबसे ज्यादा उनके इख्तलाफ हुआ वो ये हुआ कि जब उन्होंने अपनी शादी का पिक्चर डाली तो बड़ी अच्छी चीज है कि वो नीचे अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं, वो जो आयत लिखी उन्होंने कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा हक में हूँ, लेकिन जो आयत आपने कोट की है कि अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड यू इन पेयर्स, तो फिर जो पहला इंसान था वो क्या था, वो पेयर नहीं था आपका. तो इस तरह से दूसरों के दिल आजारी नहीं करनी चाहिए कि आप उस बंदे को कह रहे हो, आप उस बंदे को कह रहे हो कि तुम तो मेरा पेयर नहीं थी, तुम तो एक फजूल सी लड़की थी, पता नहीं क्यों मेरी तुमसे 10 साल का अरसा मैं तुम्हारे साथ गुजारता रहा, ये मेरा पेयर अब मुझे मिला है, इस मतलब अब जाके मुझे मेरा पेयर मिला, ये बात मुझे नहीं लगता. एम आई राइट? आपके किसी के साथ खत्म अच्छा, नहीं मेरा, मेरा ओपिनियन पता है सिर्फ इसमें ये था कि अगर आप पब्लिक फिगर है ना तो आप ऐसी चीजें पब्लिक कर रहे हैं तो आप बहुत पहली बात ही सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. हमें हम ना मुझे लग रहा है अब हमने तलाक को डाइवोर्स को मीडिया ने बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप पे जस्ट जंप्ड आउट ऑफ द रिलेशनशिप, डोंट, ये नहीं कह रहे कि उसे कुछ हल करें, उसे बेहतर करें. ओ नहीं जी, आप मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो शायद एडवोकेट बन जाए और अभी पता नहीं मैं क्या क्या कहें, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ ऐसी जो कि शायद आप सुनना चाहें. हम सबको दिल होता है कि हम अच्छे लगें, अच्छे लगें, खूबसूरत लगें. हाँ, तो इसके हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहें. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं एक और शो. पर आपसे क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आप कुछ टेंशन हो रही है कि मैं कुछ ज्यादा कुछ लिख रही हूँ, ज्यादा तो नहीं लिख रहे हो. अच्छा लेडीज जेंटलमैन, आज आपको कुछ चीजें हमने कहा बताएंगे. एक आपने प्लांट के नाम का नाम सुना होगा, लेवेंडर. सुना हुआ लेवेंडर का नाम? मैं हाँ, लेवेंडर की खुशबू में दस्तयाब. That's all. ये है सही या नहीं है? हाँ, तो ये मैंने सुना. अच्छा, लेवेंडर जो है, मुझे लेवेंडर बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज मैं जब बचपन में मैं बहुत बहुत छोटा था तो मेरी नानो लेकर आती थी मेरे लिए. थोड़ा सा बड़ा तो अजीब सी बात लगेगी लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बताने के लिए. लेवेंडर स्प्रेस लाती थी मेरे लिए बिकॉज आई यूज टू लव लेवेंडर की स्मेल. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा था. पर्पल ब्लूइश पर्पलिश कलर का एक प्लांट होता है इस तरह का. ठीक है, एंड लेवेंडर जो है उसमें एक एंटीबैक्टीरियल होता है. बस क्या है कि खुशबू उसकी अच्छी है? नहीं नहीं, एंटीबैक्टीरियल अच्छा? होता है. अगर आपको नींद नहीं आ रही तो अगर आपने तकिए पे लेवेंडर का स्प्रे कर दे तो आपको नींद फौरन आ जाती है. ठीक है, तो मैं इससे लेवेंडर का स्प्रे इस्तेमाल करता था क्योंकि मुझे नींद फौरन आ जाती. दूसरा, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है लेवेंडर का स्प्रे. अगर आपने तकिए पे भी अगर आपने कर दिया और अपने बालों पे कर दिया मुझे. अच्छा चलो, मेरे बस इसे अपना पड़ा हुआ है, अब अपना ही ला दूंगा मैं. I'll give it to you. Thank you so much. तो एक वो ये करता है लेवेंडर जो है, इट्स यूजुअली इन यूरोप. यूरोप में ये फूल पाया जाता है लेवेंडर. पाकिस्तान में बहुत माइन्यूट कम है, अगर ग्रो करे तो होता है लेकिन कहीं पे इस तरह जंगल में नहीं है इस तरह जिस तरह आपको पोलेंस वगैरह मिल जाते हैं और दूसरे प्लांट मिल जाते हैं. तो लेवेंडर के बारे में एक और चीज जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है. अगैन, ये आपने अपने तकिए पे अगर आप इसको स्प्रे करके रात को सोएं तो उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं. एक हलीमा ने बड़ी मजे की बात बताई, इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है. लेवेंडर की खुशबू बहुत सारी चीजों के उसमें आता है, कमर्शियल्स में आता है कि लेवेंडर की खुशबू में भी दस्तयाब है. और लेवेंडर इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्मेल क्योंकि वो बहुत ओरिजिनल और डिफरेंट होती है. मैंने आज लेवेंडर के बारे में आपको क्यों बताया, आप सोच रहे होंगे कि आज हमायूं ने लेवेंडर कहाँ से लेकर आए. आज इनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी क्लिनिक का नाम है लेवेंडर क्लिनिक. और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उनके क्लिनिक के बारे में पढ़ा
तो मैंने कहा आज क्यों ना आप लोगों को लेवेंडर के बारे में बताया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बल्कि हमारे पास है एस्थेटिक फिजिशियन, शी इज सर्टिफाइड फ्रॉम लंदन और इनके तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है, विच इज एन इमेंस एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा बहुत छोटी हैं, अभी तो अभी अभी आई होंगी स्टेप इन, बट नहीं, शी इज माशाल्लाह, शी लुक्स वेरी नाइस, दैट मींस वेल नोन, रिनाउंड, यस, उनके बड़े बेहतरीन है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आप प्रोसीजर्स क्या क्या किए हुए उन्होंने। जोक्स अपार्ट, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिफा नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, अच्छी लग रही है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कितने बजे उठते हैं? नाम है ना लेवेंडर, लेवेंडर एस्थेटिक नाम है आपके क्लिनिक का, ठीक है, हो गया। अब उस ऑरा में से आप बाहर निकलो लेवेंडर की खुशबू से। डॉक्टर साहब कितने बजे उठती हैं आप सुबह? मैं डिपेंड्स अपॉन अराउंड 10 to 11। ये होता अपना बिजनेस करने का फायदा, समझ आ रही है आपको? और रात को कितने बजे सोती हैं? अराउंड इट, अगर आई एम नॉट टाइट तो अराउंड 12, नहीं तो फिर 2 बजे तक सो जाते हैं, मूवी शो भी देखी। ये होता है फायदा, जब दिल किया उठो, जब दिल किया सो। क्या करना है, प्रोसीजर ही कर लेना, ठीक हो जाना। नहीं, आई गो टू क्लिनिक अराउंड, जब स्टार्ट किया था तब तो मैं जाती थी क्योंकि सिर्फ मैं थी, ठीक है, इनिशियली मैं सब करती थी, 11 बजे जाती थी। अच्छा। फिर जब थोड़ा रन होना स्टार्ट हुआ 6-8 मंथ्स में, तो फिर मैंने हायरिंग स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर शिफा, आजकल एक और बहुत बड़ा इशू है जो काफ़ी एस्थेटिक फिजिशियंस से मिलके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो लोग ये कहते हैं कि जी डर्मेटोलॉजिस्ट की वजह से हम लोग जो हैं वो लोगों में को ये बता नहीं पाते कि उनमें और हम में फ़र्क है, हम जो हैं वो उनसे एक अपग्रेड प्रोसीजर कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते, मतलब वो कुछ प्रोसीजर्स वो कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं इतने डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए, इतने डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए कि अब बिज़नेस जो है वो उस तरह से नहीं चलता, आज से 3 से 4-5 साल पहले तक बिज़नेस बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, आगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब उस तरह भी आप कह रहे हो जो कि वो नहीं है, उससे हाइड्रा वहां से सीखा। जी मैंने कहां सीखा, मैंने बड़ी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट से सीखा, कुछ लोगों ने पार्लर से भी सीखा। हाँ, तो वो कह रहे हैं जी हम डर्मेटोलॉजिस्ट, तो तब से पहले तो ये मिथ है कि क्या एक हाइड्रा करने वाला को डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन होना जरूरी है? नो, आई डोंट थिंक सो। एक एस्थेटिशियन भी होता है जैसे बाहर मुल्कों में होता है, ठीक है, पाकिस्तान में अब ये डायनामिक अब चेंज हो रहा है इवेंचुअली इन 5-4 ईयर्स। तो सबसे पहले जो 5-6 साल पहले ये इंडस्ट्री आई है एस्थेटिक्स की, जो अब बहुत कॉमन हो चुकी है, पहले नहीं थी 5-6 व्हेन आई जंप्ड इन। तो विद पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। तो जब जहाँ मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि सीख रहे होते हैं, जिसको एज अ कैरियर लेके जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि पैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ बिजनेस, किसी की स्किन खराब हुई तो हु केयर्स, वी जस्ट नीड मनी, हाइड्रा करना, हाइड्रा के बाद वी डोंट हैव टू, अब तो पॉलर्स में भी हाइड्रा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बट बाहर इस कंट्रीज में होते हैं, वहाँ पे एक सर्टिफाइड प्रॉपर लाइसेंस एस्थेटिशियंस भी होते हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस भी होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, सबकी एक प्रॉपर प्रॉपर एक वो है, एक लाइन, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान में भी आ रहा है, बट अगर वो सर्टिफाइड है कोई तो दैट, पर डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन में फर्क है। डर्मेटोलॉजिस्ट अपना उन्होंने स्टडी किया हुआ है 4 साल, उन्होंने प्रॉपर एक चीज को गो थ्रू किया हुआ है, वो ज्यादा है एक्सपर्ट स्किन में, एक्जिमा, फंगस, डिफरेंट फंगल डिजीजेस। अब एस्थेटिक फिजिशियन है वो हेयर और स्किन का एक्सपर्ट है, स्किन केयर अच्छी बता सकता है, ठीक है, प्रोसीजर्स भी वो कर सकता है। तो अब ये अंडर द लॉ अब हो रही है चेंजेस, अब चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो आप सब छोड़ दें, मैं कहता हूँ कुछ भी ना बताएं हमें, सबसे पहले आप ये बताएं आपके बाल इतने घने चमकदार काले स्याह कैसे हैं? अच्छे, ये कौन सा माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल है, ये वो कमर्शियल वाले बाल है जो हमें लगता होता है, आपको बताऊँ ये वही लिटरली कमर्शियल वाले बाल है जो ऑयल के कमर्शियल्स में आते हैं। आपने कोई ये नहीं कहना कि जेनेटिकली, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक कुछ नहीं लगाया, मैं कपड़े धोने वाला साबुन लगाती हूँ। मैंने आज तक जिनके भी अच्छे बाल मैंने पूछा उसने कहा मैं तो कुछ नहीं, कपड़े धोने वाला साबुन मैंने जब लगाया तो कपड़े धोने वाले साबुन के साथ ना वो साबुन बालों के साथ लिपट गया था, इतने बाल गिर गए उसके अंदर बाल। तो आप बताएं क्या? इट्स ऑब्वियसली इट्स अबाउट डाइट, गुड डाइट, ठीक है, और उसके अलावा जो है ऑन एंड ऑफ समटाइम्स। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई गुड डाइट होती क्या, कौन सी गुड डाइट है? हुमायूं आप खाते हो गुड डाइट? मुझे लगता है कि आपका जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बाल सर पे है वो इसी वजह से, क्योंकि आप अच्छा खाना खाते हो, गुड डाइट। उसके अलावा अगर मुझे सीजनल हेयर फॉल लगता है तो आई गो फॉर द पीआरपी, हेयर पीआरपी, और साथ में शैम्पू सल्फेट फ्री। और आपको लगता है कि पीआरपी से फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं पड़ता। अमेजिंग 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 अमेजिंग, जस्ट गिव इट अ ट्राई आप लोग। कितने सेशंस के बाद? मैं तो कहती हूँ एक सेशन के बाद भी पड़ जाता है।
जिनको पढ़ना होता है? डिपेंड्स, देखिए इसमें एक बात है, अगर आप किसी की डाइट अच्छी है ना, तो जो प्लाज्मा आपका हम बनाते हैं ना, वो सारा आपकी डाइट को बता रहा होता है कि इस बंदे की गोल्डन रिच होता है। अगर किसी की डाइट ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो ना आपको शेडी वाइट प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो उधर से मैं ना जब भी पेशेंट्स आते हैं तो मैं इनको करती हूँ कि देखिए आपका प्लाज्मा ठीक नहीं है, तो ये आपका यही प्लाज्मा आपके बालों में जाएगा और ये आपको रिजल्ट भी देगा। अगर आपका प्लाज्मा खराब है तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइट, गुड आप कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द पीआरपी आल्सो मैटर्स, कि अगर आप हर 30 दिन बात करा रहे हैं, 30 दिन से आपने एक्सटेंड कर दिया तो पोर्स बंद हो जाते हैं, तो इसलिए तो फर्क नहीं पड़ता। डज इट मैटर? नो, आप 30 डेज बाद, अच्छा पीआरपी का कॉन्सेप्ट लोगों के डिफरेंट है। भाई हम आए हैं, हमारे बाल ज्यादा गिरना स्टार्ट हो गए हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्लाज्मा जो जाता है आपका जो हेयर फॉलिकल है, ठीक है, वो अब डेड हो रहा है, वो वीक हो रहा है, तभी आपके बाल जो है वो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो फॉलिकल की मिसाल ले ले, एक पौधा है उसकी रूट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो उस पर आप डालो केमिकल वगैरह डालो तो कुछ टाइम बाद वो पौधा झड़ना ख़राब हो जाएगा, फिर वो झड़ जाएगा। सेम गोज़ फॉर योर हेयर, इसमें अब हमारी डिफरेंट स्ट्रेस हो सकती है, हमारा वो पानी पोल्यूटेड पानी हो सकता है, केमिकल वाले शैम्पूज हो सकते हैं, ओवरनाइट तो नहीं दिखाता। एक्सोसोम जो कह रहे हैं वो आजकल आया हुआ है, एक्सोसोम है वो क्या? एक्सोसोम्स काफी प्रोसीजर्स आए हैं, बट मुझे लगता है बेस्ट रिजल्ट्स पीआरपी के है, इफ योर प्लाज्मा इज गुड। अगर मेरे पास PRF is different from PRP? हाँ, these both are different, इनकी अपनी होती है, growth factors को ना बनाने का तरीका different होता है। ठीक है। You let me ask you, आप क्या खाती हैं? अब जरा पता चले कि हो सकता है शायद उस डाइट में से हम कुछ स्टील कर सके, हम अपनी डाइट में शामिल कर सके। Let's ask you, but before that, हम अपनी प्यारी सी कॉलर की कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, क्या हाल चाल है? सुबह का खैर। नादिया पकड़ लिए चाय का कप? पकड़ लिए, मैं तो आई हुई थी अभी, उठी ज्यादा 10 बज गया, मैंने प्रोग्राम देखना था, तो वो चाय ठंडी हो गई है। आप फिर गर्म करूंगी तो फिर पीऊंगी, अभी पड़ा हुआ है। आप खुद तो नहीं गर्म करोगी, किसी को कहोगी गर्म करके दे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, देखो ये कौन सी जिंदगी है जो आप जी रही हैं शहजादियों वाली, के बस सब अल्लाह ताला ऐसे ही रखे आपको और हो जाते। मुस्काना पी ये ना कहें कैसी जिंदगी है, बहुत मुश्किल जिंदगी है, मगर फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्यों आप बीमार हो नादिया? यू नॉट वेल? जी ठीक नहीं ना रहती, ज्यादा चलती फिरती नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, इंशाल्लाह अल्लाह मियां सेहत देगा। हमें अंदाजा था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसी वजह से। अच्छा वाली भाई, कल मैंने आपको कहा ना, कल बात हुई थी ना, कल मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने कहा कि जूस हो, तो मुझे सही बात, मैंने कहा वाली भाई की तरह, तो मुझे इतना बुरा लगा ना खुद से, बहुत याद कि मैंने ऐसे क्यों कहा है। हालांकि वली भाई को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे आपने उनको पता है आपने मजाक में कहा है। नहीं नहीं, सारी रात यही सोचती है, इसी वजह से तो 10 बजे आग खुली है। कोई मसला नहीं है, आप लोग जो कहते हैं सर आंखों पे। जिंदगी में एक बात याद रखना नादिया, मैं एक चीज पढ़ रहा था और ये आपको हर किसी को बहुत फायदा देगी। हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के इमोशन और दूसरों को पसंद करवाएं, दूसरों को कहें कि वो हमें अच्छा लगे। इंसान के पास सबसे बड़ी चीज़ हाथ में होती है अपना दिमाग, अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है। किसी कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका दिमाग आपके अपने कंट्रोल में होता है, जो कोई कुछ भी कहे ना आपके मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह करेगी जिंदगी बड़ी आसान गुजरेगी। ठीक है, सब ठीक है घर में? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मेरी बात सुने, सुनाए। दो तीन दिन ना मेरे दिल में जरा मुश्किल है, मेरी बाजी लोगों के, तो दुआ करना कि उनके लिए सानिया अल्लाह ताला पैदा करे। इंशाल्लाह जिंदगी में वो भी हल हो जाए। तीन दिन ना अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा करे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला रहम करे। ये आप इसे बात करनी थी, इसे पूछना था कि बाल बड़े ना कर्ली हैं, तो इनको सीधा करने का तरीका, ये रफ भी बड़े हैं, रफ है कर्ली है तो सीधा किए जा सकते हैं। बेहाल में किसी प्रोसेस के बगैर तो आप कर्ली बालों को सीधा नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ऑयलिंग करें, ज्यादा कर्ली है और रफ है तो वो कह रही है ऑयलिंग करें। कौन सा ऑयल लगाएं? कोई भी मॉइस्चराइजर, इसरा ऑयलिंग, कोई भी ऑयल आप लगा दें, सरसों का तेल, मुझे लगता है बालों के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, पहले तो सर्दियों में अवॉइड करें बहुत ज्यादा गर्म पानी से करने से, तब भी उनका वो टेक्सचर खराब होता है। यस यस यस। और नादिया एलोवेरा लगाया करो बालों में, एलोवेरा लगाओ, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नादिया थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर? आदिल हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
जी वालेकुम सलाम। मैडम मैं आदिल गिल फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरी जिल्द पे ना खारिश होती है, पता अच्छा। नहीं चलता किस चीज के खाने से होती है। मेरे एक आंटी है मेरी, उसकी जिल्द के ऊपर से मांस उखड़ना शुरू हो जाता है खारिश होगी। अच्छा ओके। और पैचेस बन जाते हैं उससे? जी पैचेस भी बन जाते हैं, निशान भी पड़ जाते? निशान नहीं पड़ते, सुरख हो जाता है। कब से है ये आपको? ये कब से है आपको, ये अलामत कब से हो रही है? तकरीबन एक साल से। एक साल से, एक साल से। आप उससे आप साल से पहले कोई ऐसी चीज खा रहे थे जो अब आपने ऐड की है? वो कुछ सोचे ऐसी कुछ चीज हो जो एक साल पहले आप नहीं खा रहे थे, अब आपने इस साल जो है वो खाना शुरू किया? कोई मेडिसिन वगैरह ली? कोई मेडिसिन, कोई चीज, एंटीबायोटिक इस तरह? मेडिसिन वगैरह तो वैसे कोई बुखार की हो गई, कभी थकावट की हो गई। खाने पीने में कोई ऐसी चीज जो आपने पहले ना खाई हो साल पहले, अब खाना शुरू की हो? मैं हेपेटाइटिस में हूँ और सांस का मसला है मुझे। मैं यूज ही नहीं करता, सारी चीजें नहीं यूज करता, चावल, बड़ा गोश्त, दाल माश, दाल चना, मैं ये नहीं खाता। अच्छा जी। स्किन का टेक्सचर कैसा है, ड्राई रहता है, कैसे है ज्यादा? स्किन कैसी है, ड्राई पूछ रही जी? तो आप ये बाकी सारी चीजें तो आपने मना कर दी, तो आप हवा पे जिंदा है? तो आप सब ना गोश्त ना दालें ना सब्जी क्या खा रहे हैं? तो खा क्या रहे हैं आप फिर? फिर मैं सब्जियां खाता हूँ, दूसरी सब्जियां खा लेता हूँ, दाल, मटर की दाल, वो जो होती है वो, उसमें मूंगी दाल डाल के बनाते हैं, वो बना खाता हूँ। शोरबे का सालन, मुर्गे का गोश्त जो होता है वो मैं शोरबे वाला खाता हूँ। तो मुर्गा गोश्त नहीं होता? नहीं नहीं, उन्होंने बड़ा गोश्त खाता। बड़ा गोश्त मैंने कहा सर। ओ, अच्छा। और वाटर इनटेक कैसा है? और पानी कितना पीते हैं दिन में, एक दिन में? पानी तकरीबन कोई 14-15 ग्लास पीता हूँ। माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है। रात को उसके 4 दफा पानी पीता हूँ, 4 दफा वॉशरूम करता। ठीक है आदिल भाई, हम बताते हैं आपको। रात को 4 दफा उठता हूँ और 4 दफा, ये पता नहीं चलता कब शुरू होनी होती है, सोए वक्त भी शुरू हो जाती है खारिश, खाने के टाइम ही नहीं होती। ठीक है, अभी पूछते हैं। ठीक है ठीक है, आदिल भाई हम पूछते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके ना डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, मे बी ही टुक सम मेडिसिंस। ठीक है, पहले तो अगर हम इनको चेक करेंगे तो वी नीड टू नो इनकी ब्लड स्ट्रीम में क्या है, इनका पहले इनका हम लैब कराएंगे। ठीक है, सीबीसी लैब, ब्लड पहले तो ये पता करना चाहिए ना किस चीज से मसला हो रहा है, कॉज क्या है, एंड ही डजंट नो द कॉज। एक पैटर्न होता है, अगर आपको इचिंग हो रही है, वो एक रेगुलर पैटर्न में हो रही है, ठीक है, तो वो देख के वी कैन नो, वो डायग्नोसिस हो सकती है। बट इनिशियली ही शुड गो फॉर द सीबीसी। ठीक है, आपने एक ब्लड टेस्ट करा लें, एलर्जी टेस्ट करा लें, दोनों मुफीद होंगे। तो वो, लेकिन अगर अगर उनको नॉर्मली होती रहती है तो सॉफ्टेन भी ले लें, अगर सॉफ्टेन एलर्जी, उससे भी टैबलेट से भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ही शुड गो फॉर द कि मेन कॉज क्या है, डायग्नोसिस क्या है। अच्छा, आप टेस्ट उनको रिकमेंड कर दें ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो हमें कॉल करें तो उन्होंने टेस्ट कराए हुए और उसका रिजल्ट फिर वो बता दें। फिलहाल सीबीसी कराएं, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट, परफेक्ट, ब्लड टेस्ट का पता चल जाएगा कि क्या है, क्या इंडिकेशन ज्यादा। आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है ज़ायदा आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, देखती आंखों सुनते कानों मेरे, सब सुनने वालों, चाहने वालों, और आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे यकीनन, और आपकी गेस्ट भी। क्या मतलब है यकीनन, आप देख नहीं रहे? अच्छा, केबल को आज मौत पड़ गई है। ओए होए, केबल वालों को ना बस मुझे लग रहा है, केबल और लाइट वाले ये हमारे दुश्मन है असल। मैं कल का प्रोग्राम भी रिपीट में मैंने देखा और आज भी इंशाल्लाह रिपीट में देखूंगी। और इतनी शदीद धुंध है बेटा बाहर, इतनी धुंध ने तो वैसे पागल कर दी है, और चकवाल तो वैसे ही बड़ा मैदानी सा इलाका है, वहां तो ज्यादा लोगों को लगेगा कि यहां बर्फ ही पड़ रही है। आप यकीन करें 11 बजने वाले तो 12 अंधेरा छाया हुआ, तो मेरी अपील है पूरे देखने वालों से कि कसरत से इस्तिगफार पढ़ें, अल्लाह करे बारिश अल्लाह ताला दे। आपको पता है रावलपिंडी में अब ये आज न्यूज थी कि इस ड्राई स्पेल की वजह से पानी की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी रावलपिंडी में, और हम जो पंजाब में ज्यादातर ये शॉर्टेज होगी पानी की। अल्लाह करे अल्लाह बारिश दे, क्योंकि आपको पता है तकरीबन पिछले 95 दिन से बारिश नहीं हुई, और अल्लाह ताला आसानियां करे जी, अल्लाह ताला आसानियां करे। आपने दुआ के लिए स्किन स्पेशलिस्ट आई हुई है या कौन, मैं तो देख जी 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 स्किन स्पेशलिस्ट है, हेयर स्पेशलिस्ट है, कोई सवाल आपने पूछना है ज्यादा आंटी? अच्छा, आपको तो वैसे होती इनसे इनसे इनको मेरा बहुत ज्यादा सलाम, और खूबसूरत होगी। तो ये मैंने पूछना है कि मेरे घर में मासी है, तो उनके पाँव में ना वो
अमाइयों वो जो शू नहीं लग जाता, हम मुजफ्फराबाद वाले जिसको शू कहते हैं ठंड की वजह से पाओं को, तो वो उनको 2-3 साल से वो बहुत ज्यादा है, वो सर्दी की वजह से ना वो सॉक्स पहन सकती हैं ना शूज पहन सकती हैं। नहीं क्या ज्यादा आंटी उनको क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है और जिस तरह खून जम जाता है ऐसे पाँव। अच्छा, वो क्लॉट से बन जाते हैं, वो जो क्लॉट्स बन जाते हैं उंगलियों में ज्यादा होता है वो, जैसे अगर पाँव में भी हो ना तो उंगलियां बहुत मोटी मोटी हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती है, वो क्लॉट्स भी बन जाते हैं। ठीक है ज्यादा आंटी, बहुत शुक्रिया, सलामत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज्यादा आंटी के सवाल से शुरू करेंगे और फिर आप लोगों के मजीद सवाल शामिल करेंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ, देखते रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एक और सुबह और अब शिफा से बातें करें। डॉक्टर शिफा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शिफा नियाजी, और डॉक्टर शिफा से हम पूछ रहे थे जिनका एक एस्थेटिक क्लिनिक भी है F7 में, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसका नाम लेवेंडर है, लेवेंडर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेवेंडर किस किस चीज़ के लिए काम आता है। शिफा कमिंग बैक टू यू, इट्स अ सीजन जब माशाल्लाह आपकी कोई ऐसी जगह नहीं है जो ड्राई ना हो, ठीक है, हर जगह आपकी ड्राई होती है स्किन की, इस ड्राइनेस का कोई घर बैठे इलाज हो सकता है? डॉक्टर शिफा ने तो पढ़ी है एस्थेटिक पूरी की पूरी, तो क्या कोई प्रोडक्ट्स लेना ही जरूरी है, एक मॉइस्चराइजर लेना जरूरी है, अच्छा फेस वॉश लेना जरूरी है, फेस वॉश लें तो सर्दियों में कौन से वाला लें ताकि स्किन ड्राई ना हो? हाथ अल्लाह माफ करे पापड़ बने में होते हैं, और फिर ज़ायदा आंटी का सवाल के भी जवाब दे देंगे, ठीक है। अच्छा, सर्दियों में ऐसा है कि ऑब्वियसली आपको नॉट ओनली जस्ट मॉइस्चराइजर फॉर योर बॉडी, फॉर योर हैंड्स, बिकॉज आपके हाथ बहुत रफ हो जाते हैं, ठीक है, दिन में एक बार नहीं कि सुबह लगाया, कीप ऑन, ठीक है, बैग में रखें और साथ साथ लाइक जब जब टाइम मिले, क्योंकि आपकी रफनेस आती है स्किन, ठीक है, और हाथ ब्लैक भी हो जाते हैं, सेम गोज़ फॉर योर बॉडी, ठीक है, कीप ऑन लाइक मॉइस्चराइजिंग। पानी वो जैसे वो कह रहे थे अभी, उन्होंने बताया 14 ग्लासेस अगर वो सर्दी में कोई पीते हैं इस मौसम में तो इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है, आपकी वो डिहाइड्रेट, जब आपकी स्किन होती है तभी आपके वो बाल भी फ्लेकी, डैंड्रफ सब, और स्किन भी ड्राई होना, तो अब व्हेन यू कीप ऑन ड्रिंकिंग, मैं सर्दी में 3 से 4 लीटर पानी पीता हूं, वेरी गुड, 3 से 4 लीटर, यस। जब आप ज़्यादा पानी का क्या होता है ना, वो सेल्स को हाइड्रेट रखते हैं, सेल्स को आपके हाइड्रेट होते हैं, जो हमारी स्किन है ना इसमें सेल्स की लेयर है, जब ये डिहाइड्रेट हो जाती है, जब फेस की होती है ऑब्वियसली, तो तभी आपको डलनेस फील होती है, रफनेस आती है आपके फेस पे, क्या कह दो कि वो नहीं है, ठीक है, तो यू कीप ऑन, पानी थोड़ा सा आपको हेल्प आउट करता है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में, वाटर इज गुड, यू शुड कीप ऑन। मैं इसलिए ज्यादा मुझे पिया जाता है पानी क्योंकि मेरा जो जिम है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरे 1.5 लीटर की बॉटल होती है, तो मेरा ट्रेनर कहता है ये आपने आखिर में जाते हुए दिखानी है खाली बॉटल, तो वो तो आप मेरे ख्याल से सिर्फ वही 1.5 लीटर की पीते होगे आप, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हो, ये ग्लास चीखे मारता रहता है कि मुझे पी लो, लेकिन हराम हो जो 2 घंटे के शो में इसने कभी पानी को मुंह से लगाया हो, झूठ है, कह रहा है कि मैं मेरे ऑफिस में 7 बॉटल पड़ी होती है 1.5 लीटर की, वो पीता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस वकार, मिसेस वकार अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना चाह रही हैं? माया भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको डिग्री खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत ज्यादा कामयाबी दे, बहुत कामयाबी दे, मैंने सुबह जब देखा मैं बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और उस वक्त से मैं कॉल मिला रही, 15 बार मैं कॉल मिलाई हूँ, अब 9 मिनट से मैं ऑन होल्ड पे हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग ना ब्रेक पे गए हुए थे, आपके वो 9 मिनट मेरे और हलीमा के लिए 9 घंटे हैं, हमें थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला खुश रखे, थैंक यू जी। क्या जी, और मैंने ना ये सवाल पूछना था कि मुझे ना हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, अच्छा। मतलब कि मैं ना 9th में थी, एक बार मैंने कट करवा दिया, तो उसके बाद वो ऐसा मैंने कटिंग करवाई ना, उसके बाद मेरे बालों कुदरती कट हो रहा है, हुई नहीं है जी, आप कुदरती कट हो रहा है, कुदरती कट हो रहा है जी, तो वो इतना मतलब सितंबर अक्टूबर में तो इतना ज्यादा हेयर लॉस होता है, इतना कि मतलब सर की जो स्किन है वो नजर आना शुरू हो जाती है। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है, तो यार आपको अभी डॉक्टर भी बताती है, डॉक्टर शिफा भी आपको बताती है, लेकिन मेरा जो छोटा सा मशवरा है ना, जो मुझे आजमूदा है,
यकीन माने मैं डायला आपको वैसे कहता था, लेकिन आप बिलीव करें जो काम एलोवेरा करता है ना, ओ भाई एलोवेरा इज रियली गुड। मुझे लगता है इसके बाद सबसे पहला कोई पौधा लेने जाएगा, डॉक्टर शिफा एक बड़ा सा पौधा लेके जाएंगी एलोवेरा का, जो भी इनके और नहीं नहीं माया भाई मैंने आएगा उसको थोड़ा थोड़ा देंगे। पिछले दिनों वही प्लांट मंगवा के मैंने पूरा घर में रखा है। अब मतलब सर्दी है ना, सर्दी की वजह से थोड़ा कम किया, वरना गर्मी में अब तकरीबन हफ्ते में दो दफा मैं ये यूज करती हूँ एलोवेरा। हाँ बड़ा फर्क पड़ता है। सर्दी में भी कोशिश करें, इनसे पूछना चाह रही हूँ कि इनको के हार्मोनल इश्यूज तो नहीं रहे, ठीक है? आप शादीशुदा हैं? मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं। हाँ जी, बुरा बुखार है अगर आपको याद हो। ठीक है, उसके अलावा कोई लोकेशन आपने चेंज की हो इस अरसे में जब आपका हेयर फॉल हो रहा है? लोकेशन हाँ जी, मतलब हमने दूसरे घर चेंज कर लिए थे ना हमने, तो नहीं एरिया, सिटी वाइज, सिटी वाइज शहर। शेखपुरा में ही हूँ तकरीबन पिछले 12 साल से, तो मैं शेखपुरा में ही हूँ। स्ट्रेस का कोई बता सकती है? स्ट्रेस वगैरह लेती है? टेंशन टेंशन स्ट्रेस वगैरह, बस जारी बात है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो फिर आता ही रहता है। स्ट्रेस से तो वैसे अगर बाल जाने लगते हैं ना तो मुझे लगता है कि सारे गंजे हो जाते हैं। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, आपको कोविड या डेंगू वगैरह तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं। मुझे ना लास्ट टाइम पिछले 2 साल मुझे जॉइंट का मसला हुआ था। अच्छा हुआ था, उसके बाद आपका हेयर फॉल ज्यादा हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है ठीक है, सही है। और उसके बाद आपने अपनी डाइट ठीक की, यानी जो कहते हैं आपने अपनी रिकवरी की प्रॉपर तरीके से या नहीं? हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल किया मैंने, डाइट वगैरह बिल्कुल फोकस किया इस चीज पे मैंने। ठीक है चले मैं बता देती हूँ जॉन्डिस की हिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस वकार। अनम की भी कॉल ले लेते हैं। अनम अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर अनम। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे भाई वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र। और हमारे भाई माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सुना सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको मजीद कामयाबियां दे। आमीन 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 आमीन, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा इंशाल्लाह। यकीनन आप लोग तो हमेशा है मेरे साथ, क्या कहेंगे। और आपका, आपको एक मजेदार बात बताऊं, कल आप मैंने कॉल की थी और जब मैं आपकी वो कह रही थी कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पहना हुआ है ये, और आप थैंक यू कह रहे थे, आपने यूं हाथ जोड़ के वो किया, तो शाम में जब आपका प्रोग्राम रिपीट होता है ना मेरे बच्चे देखते हैं। अच्छा। तो वो मेरी बेटी इतना खुश हो रही थी, जन्नत उसका नाम है, आपको याद होगा पहले भी, हाँ, पहले भी बताया था आपने। वो अपने बाबा को भी बता रही थी, जब उसके बाबा ऑफिस से आए हैं तो वो इतना खुश हो के बता रही थी, बाबा वो जो हमारे अंकल है ना वो यूं कर रहे थे। अल्लाह ताला सलामत रखे आपकी बेटी को, उसके नसीब अच्छे करे, जन्नत को हमारी तरफ से बहुत प्यार दे। उसने उसको इतना, उसकी कोशिश है ना कि वो आपसे बात करे, लेकिन असल में अब वही स्कूल टाइमिंग है ना, बिल्कुल छुट्टी नहीं करानी आपने, बिल्कुल छुट्टी नहीं करानी जन्नत के लिए। मैसेज अभी कुछ दिनों में छुट्टियां आ जाएंगी, अब हो तो चुकी है खत्म बेटे छुट्टियां, नहीं दोबारा से आने वाली। कौन सी वाली? आप लेट चल रहे हो, दोबारा से कौन सी वाली? 4 तारीख से 11 तारीख तक छुट्टियां आप सरकारी स्कूलों में होंगी, प्राइवेट में बंद कर दी उन्होंने, आप लेट चल रहे हो, हम लड़ाई कर ले। अनम बहुत बहुत शुक्रिया, और जन्नत के लिए कुछ पूछना है आपने? अनम हो सकता है उन्होंने कोई सवाल पूछना हो। पूछना चाहूंगी कि जो सर्दियों में लिप्स पे वो ड्राइनेस हो जाती है, ऐसे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं लिप्स, खासकर बच्चों के भी? यार मुझे भी पता है ये हो रहा है, पता नहीं मेरे मुझे भी हो रहा है, पता नहीं क्यों इतने डर। ये एक तो स्मॉग की, अल्लाह पूछे अल्लाह स्मॉग को, अल्लाह कुछ इसका एक तो ये बता रहे हैं कोई अच्छा सा लिप बाम जो घर में बंदा बना ले बच्चों के लिए भी, जो इफेक्टेड ना हो कुछ इस तरह से केमिकल से वो हो। और दूसरा ये कि ना हेयर फॉल के लिए बताए छोटे बच्चों के लिए, मेरी बेटी है ना उसके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो, मतलब नहीं नहीं रुमैसा के, रुमैसा खिजर उसका नाम है, कुछ पूछ रही है डॉक्टर से। एज क्या है उनकी? बड़ी बेटी है, 9 इयर्स की है वो, 9 इयर्स स्मॉल। आप उनकी उसकी ना माशाल्लाह ये कि बाल उसके बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे बाल थे, लेकिन अभी उसके बालों में ना अजीब सी वो ड्राइनेस थी। शैम्पू आप कौन सा यूज कर रही है उनके लिए, कौन सा शैम्पू? शैम्पू मैं चेंज करती रहती हूँ, मैंने कहा शायद इससे कुछ फर्क आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच, हम ब्रांड्स के नाम। ठीक है, हम बताते हैं, हम बताते हैं। आप लोग कॉल करके कुछ भी अपने बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहिबा अभी 2 घंटे तक इंशाल्लाह हमारे साथ ही होंगी, तो आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मुझे लगता है डॉक्टर शिफा जो है ना मुझे कत्ल कर देंगे। वैसे टोटका लिप ड्राई लिप का बताऊं? हेलो जी जी जी, वालेकुम सलाम। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी, डॉक्टर साहिबा की आवाज थोड़ी है ही हल्की, हमारी तरह उनके भोंपू नहीं फटू हवा उनकी आवाज हल्की है, कैसे पूछ ले। मेरा सवाल डॉक्टर बालों के बारे में है, मेरे बाल माशाल्लाह बहुत हेल्दी और अच्छे थे, लेकिन मैंने उनके साथ बड़ी छेड़छाड़ की,
बड़ी दफा मैंने स्ट्रिकिंग वगैरह करवाई तो अब वो ना वाइट होना शुरू हो गए हुमायूं। प्लीज अब आप ये ना कहिएगा कि उम्र का तकाजा, उम्र का कोई तकाजा नहीं। यार मुझे समझ नहीं आती स्ट्रिकिंग करा के आप लोग अपने बाल बर्बाद करते क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा पता है क्या 30 के बाद बाल दोबारा काले नहीं होते, वो चिट्टे की तरफ ही जाते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी उसको दोबारा वो पहले हालत पे कैसे आ सकते। नहीं यार कश्यप ओवर हियर आई विल कॉन्ट्रडिक्ट, आपको पता है मेरे बहुत ज्यादा ग्रे बाल है एंड आई विल नेवर डाई देम, मुझे इतना ग्रेसफुल लगता है, ये हर किसी की पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स। यार लड़कियों में फर्क होता है, नहीं लड़कियों में बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक ग्रे हेयर इज द मोस्ट ग्रेसफुल हेयर एवर, मुझे लगता है। पता नहीं कोई कंडीशनर वगैरह अच्छा या कोई अच्छा शैम्पू बता दें। ठीक है जी यार, आप नहीं कह सकते ग्रेसफुल लगते ग्रे बाल और तुम भी। अच्छा मेन को लगते हैं औरतों में। चले ओ इफ दे कैरी देमसेल्व्स गुड। ठीक है ठीक है कश्यप, हम कोशिश करते हैं कि कोई इशारों किनारों में आपको बता दें कंडीशनर और शैम्पू शॉर्ट वर्ड में कोई। हां जी भाई तो जवाब भी ले दे वर्ड में बता दीजिए। ठीक है कश्यप, मिसेस अनवर की कॉल ले लेते फिर हम जज लगा लेंगे। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अनवर, क्या हालचाल? मिसेस अदनान, सॉरी माजर, मिसेस अदनान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आपका प्रोग्राम मैंने अभी देखा है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता इतना देखने का, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं आप प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं और ये प्रोग्राम स्पेशली उनके लिए जिनको ना कोई मसले मसाइल हैं और आप इस पे डिस्कस करते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बातें कि आप लोगों को ये बताते हैं। सेकंड ये कि मुझे ना मेरा भी बालों के बारे में सवाल है आपसे, मैं अगर आप डॉक्टर से बात करवा दे तो। जी जी, जी, जी जरूर करें। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं ना काफी बीमार रही थी तो है? उसी बीमारी में मुझे ना वो शुगर डायग्नोज हुई है और थायराइड का मसला हुआ था। ठीक है। और उसके बाद ना जब मैं बीमारी से ठीक हुई हूँ मेरे बाल ठीक थे, लेकिन अब एकदम से इतने उतर गए हैं ना, हेयर फॉल हो गया कि बहुत कम रह गए हैं। ठीक तो है, ये मेन प्रॉब्लम तो थायराइड भी आ रहा है। ठीक है। सेकंड ये है कि आप अगर कुछ मुझे बता रहे हैं कि इसके साथ अगर कोई शैम्पू कोई मल्टीविटामिंस लेती हैं आप? जी जी लेती हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा मुझे वाइटामिन डी के कैप्सूल हैं वो दिए, वो मैं ले रही हूँ। नहीं विटामिन डी ले रही है, मल्टी विटामिन ले रही है, दोनों मुख्तलिफ चीज। नहीं उन्होंने मुझे विटामिन डी की कैप्सूल दी, दिस इज नॉट टेकिंग मल्टीविटामिन, तो वो मैं खा रही हूँ लेकिन फिर भी बाल नहीं बैठे। अच्छा 30 प्लस के बाद तो ये बड़ा रिकमेंडेड होता है कि आपने मल्टी विटामिन लेने ही है क्योंकि आपके विटामिन जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं फ्रॉम दैट ऑफ डेफिशिएंसी हो जाती है आपको। बट थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सायरा तारिक की कॉल भी लेते हैं। सायरा तारिक जी अस्सलाम वालेकुम। लेंगे अस्सलाम वालेकुम सायरा जी, मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है भावलपुर में? सर्दी ज्यादा तो नहीं है? जी सर्दी तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में इस साल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पड़ रही है, अल्लाह माफ करे सर्दी। अच्छा पता है सायरा जी, आई हैव हर्ड कहते हैं फरवरी बहुत ठंडा होगा, मैंने कहा इस तो भी ज्यादा ठंडा होगा तो फिर सिमारी जाना है। असल में आवाज थोड़ी मुझे कम आ रही है तो मैं आपकी बात मैं कहते वो कहते हैं वो कहते हैं फरवरी में सर्दी जनवरी से ज्यादा पड़ेगी। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। और मेरा सवाल ये था कि बेटा है मेरा 20 साल का। अच्छा जी। और इसके जो बाल है ना जिस तरह हमारे आपके हो रहे हैं ना आगे से बिल्कुल खाली, तो उसके भी 20 साल की उम्र में जो है वो ये बिल्कुल इस तरह से होते जा रहे हैं, तो अब इस इतनी सी एज में उसके गिर रहे हैं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा उसका क्या। इतनी एज में गिरे तो ठीक है, हुमायूं जितनी एज में गिरे तो सही है। वरिंग जो क्या बताओ उनकी एज कितनी है, वो भी तो 21। थैंक यू मैं 24 साल का हूँ जी, 24 साल का। मैंने 21 का खुद कह रहे 24 यार, 2002 में कह दिया था गलत हो गया। अच्छा मेरी जो है वो 40 साल उम्र है, तो पहले जो मेरे बाल थे अपने वो बिल्कुल सिल्की हुआ करते थे, अब इस एज में जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना ऐसे रफ और बिल्कुल वो सख्त से हो गए हैं, अब समझ नहीं आती अपने लिए और बेटे के लिए हम करें क्या। ठीक है ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा बेटा है? एक ही औलाद है आपकी? सिर्फ एक ही बेटा? चार बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा कितना साल का है? बड़ा 20 साल का है। यही बड़ा बेटा है जिसकी बात कर रही हैं? हाँ हाँ, वो मेरी अपनी शादी भी तो बहुत और है जिसके ये मसला है। हाँ इनके अब्बू के साथ इसी तरह था।
ये जेनेटिकली भी होता है। मेरे तो बाल बहुत अच्छे घने हैं वैसे सायरा जी। नहीं नहीं आपके घने तो हैं लेकिन थोड़ा सा साइड से इस अभी से इस तरह होते जा रहे हैं। ये हमारे हमारे खानदान में सबके ऐसे ही हेयर लाइन है। ये अगर आप मुझे 10 साल पहले भी देखती तो मेरी हेयर लाइन यही थी। दानिश है लाहौर हमसे बात सवाल लेंगे ठीक है, हमें जवाब नहीं लेने। दानिश हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम दानिश जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान जी? मैं ठीक, अल्लाह का करम। क्या पूछेंगे भाई? अच्छा जी, मैंने कल भी एक बात की थी, मैंने सिर्फ आज तीन बातें करनी है। वो एक कल आपसे कॉल की थी ना मैंने, मेरे दोस्त ने बाद में बताया कि उन्हें एक चाहिए तो एक चिप इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने कहा था ना कि वो जब आप एम टेक की बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, आपने कहा था कि लोग ले जाते हैं गाड़ी। बिल्कुल दानिश भाई, कार्ड 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 मैंने कहा था एक कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दो मेरी पॉकेट में, वो मैं शो करूं और मेरा जो है ना पैसे डिडक्ट हो जाए और निकल जाए। वो आप उसको एक मशवरा दे सकते हैं। जी जी ठीक है। वेरी सॉरी आपके टॉपिक पे मैं बात हूँ। मैंने ये पूछना था कि जैसे कोई भी चीज है, अल्लाह ताला ने अगर बाल है हमारे तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर से रखा हुआ है ना कि बालों के अंदर पूरा हमारा मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया हुआ, जहाँ से जो है खून की सप्लाई जाती है, आर्टरीज वेन्स होती है, नीचे बल्ब होता है उसमें से। बिल्कुल। तो वो जो हमारे ये जो आजकल शैम्पू चल रहे हैं कि जी प्याज खाने के लिए नहीं कहते, कहें जी प्याज का शैम्पू आ गया है, कलवंजी का शैम्पू आ गया है, तो जब तक हम खाएंगे नहीं तो ये कैसे इफेक्टिव होता है? कभी भी जो लगाने से नहीं होगा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ इस सवाल से। अच्छा दानिश भाई, डॉक्टर साहिबा तो जब से आई हैं वो कह रही हैं कि जब तक आप लोग अपना खाना पीना नहीं ठीक करेंगे तब तक नहीं कुछ भी सही होगा। लेकिन बट हलीमा, आई एम सॉरी टू से दैट, पर अगर प्याज और कलवंजी को अगर आप अप्लाई भी करते हैं देयर इज नो हार्म। मैं यही कहने लगी थी कि उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे हमारी स्किन मुंह है ना, हम जाहिर है अंदर से तो वो ग्लो कर रहे हैं लेकिन हम बाहर से भी उसको साबुन से या फेस वॉश से साफ करते हैं। तो इसी तरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इन सारी चीजों की दूसरी तासीरें भी होती हैं, इनको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हां नहीं नहीं, अप्लाई करने से मैं करूँ कि उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना खाने से हो। लेकिन लेकिन आप जो बात करें ना शैम्पू से कंडीशनर में जो कहते हैं ये है, उसमें सिर्फ उसकी एसेंस होती है। हाँ। उसकी सिर्फ स्मेल होती है। मुझे यार मुझे नहीं लगता खाना नहीं है ठीक है लगाने का कहते हैं बिकॉज अनियन में सल्फर होता है। जो आपको बताते हैं दानिश भाई, अगर कोई और सवाल है और आप पूछ रहे थे कि मैं दो तीन और सवाल। जी जी थोड़ा जल्दी से पूछेगा ताकि और कॉलेज वेट करें। आपने सर्दी की बात की और सारी बातें डिफरेंट आप कर रहे थे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए नमाजें इस तरह पढ़ी जाती थी किसी दौर में ना, जी जी बारिश नहीं होती जी, बारिश के लिए किसी मौलवी को किसी को याद नहीं आई। तो इस हवाले से आप कुछ किसी जाए दानिश भाई, आई विल कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दैट। मैंने खुद भी जाके इस दफ़ा हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ी है और मैंने उस दिन भी बताया था कश्मीर में भी पढ़ी गई है, बहुत सारी जगहों पे हो रही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसको कसरत से पढ़ा जाए ताकि वो बारिश हो, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले आप लोगों के सवालों का जवाब लेंगे फिर और कॉल शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और हमारे साथ कॉलर हैं, कॉलर के बाद जल्दी से सवालों के जवाब भी लेंगे फिर भी आपके कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अदनान, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप मजे में, आप कैसी हैं? आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर इस हुलिये में भी देख के आप लोग मुझे ये कह रहे हैं तो सच्चा प्यार है आप लोगों का मेरे से। मुझे डॉक्टर साहिबा से पूछना था, मेरे बाल बहुत ज्यादा डेंजरस है और बहुत ज्यादा ना खराब हो चुके हैं, जैसे जले नहीं होते बाल। ठीक है हाँ, वो फटे हुए जिस तरह होते हैं, फटे हुए बाल ऐसे हो रहे हैं मेरे। आपके सिर्फ एंड से जले हुए लगते हैं या पूरे बाल ही ऐसे लगते हैं जैसे खराब से हुए? एंड से ना मैं आयरन करती हूँ। स्प्लिट एंड्स हैं आपके? दो मुंह हैं बालों के? दो मुंह नहीं। ठीक है, आप कोई ऑयलिंग वगैरह करती हैं? ऑयलिंग करती हूँ मैं, कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। ठीक है, सर्दियों में? जी सर्दियों में नहीं कोकोनट ऑयल यूज करते, इट्स वेरी बैड फॉर सरसाम हो जाता है। और नहीं, और वो भी होता है, इट्स द डैंड्रफ, जितनी आपकी कोकोनट ऑयल से होती है ना सर्दियों में, अल्लाह माफ करे, क्योंकि वो वैसे ही जमा हुआ होता है ना, तो बहुत डैंड्रफ होती है। शैम्पू कौन सा यूज करती हैं आप? मैं पामोलिव यूज करती हूं। सही हो गया। और कितने टाइम से आपको ये हो रहा है?
मुझे एटलीस्ट 1 ईयर वन ईयर से हो गया. और अचानक हुआ या नहीं ऐसे जो आपको कोई? पहले मेरे बाल बिल्कुल सही थे. ठीक हो गया. ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच. जल्दी से पहले हेयर लॉस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो सबके सवालों के जवाब देगा. पहले सब में है, किसी में कोई रीजन है, किसी में कोई रीजन है, लेकिन तो इस सारा का एक मजमुआ बताएं क्या हो सकता है. मुझे तो यही लग रहा है कि जो जिनका हेयर फॉल हो रहा है, दो कॉलर्स थी जिन्होंने बोला था कि एक को जॉन्डिस था, बीमारी गुजरी. ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है जब आपको जॉन्डिस हो या कोई आप सिवियर कोविड या डेंगू के बाद आप देखते हो, हमारे पास हिस्ट्री आती है पोस्ट कोविड हेयर फॉल हो रहा है, हमें इसके बाद होना स्टार्ट हुआ है. जब एक माइंड में बात रखें कि जब आप एक सिवियर बीमारी काटते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए ठीक है अपने सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ दे देती है, आपके फॉलिकल्स भी सब, क्योंकि उसने आपको प्रोटेक्ट करना पे लग जाते हैं ना, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी आपको फाइट बैक करती है आपकी बॉडी. तो जब आप तो बच जाते हो बट उन्होंने अपने फॉलिकल्स दे दिए, तो फिर उसके बाद वो जो कम वीक पड़ जाते हैं, फिर आपको हेयर फॉल शुरू हो जाता है. सबसे बेस्ट यही है कि उसके बाद आप अपनी यही सब कुछ, अपनी डाइट, हेल्थ, मल्टीविटामिन्स, बायोटिन इसमें ऐड करके, और नॉट जस्ट फॉर 6 मंथ्स, आई वुड से 2 साल लगते हैं आपको प्रॉपर रिकवर करने में. ठीक है, कुछ लोग लेते हैं कि बस हम ठीक हो गए, बस चलने के काबिल हो गए, 2-3 महीने लग गए तो हम वी आर ओके. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी को अगर ये ट्रॉमा मिलता है तो इट टेक्स अराउंड लाइक फॉर 2 ईयर्स मैक्सिमम आपकी फुल बॉडी रिकवर करे, आपके फॉलिकल्स एक एक फॉलिकल रिकवर करे. अगर वो थोड़ा सा भी रिकवर नहीं करेगा ना, तो वो इवेंचुअली वो वैसे ही होगा, उसके बाल गिरेंगे, इस तरह इवेंचुअली हेयर लॉस ज़्यादा होगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास था वो एक जीन जेनेटिक का जो कि 20 ईयर्स का था, बच्चा था पीछे जा रही है, बच्चे के पीछे जा रही है हेयरलाइन. उनका अपना इशू भी ये था कि पहले सिल्की बाल थे और अब बहुत ड्राई हो गए. अच्छा, इसमें अब यही आता है कि अब वी डोंट नो, एक जेनेटिक भी हो सकता है. ठीक है, उन्होंने कहा उनके फादर को भी था. ठीक है, अगर कोई चीज़ जीन्स में है, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ वी कैन चेंज दिस. अगर एक अगर उनको उन्होंने फादर ने ये स्टेप नहीं लिया ना, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेके SHPRP कह लो, ठीक है, अपने फॉलिकल को रिग्रोथ करा रहे हैं, तो ही इज टेकिंग दैट स्टेप और वो शायद ये जीन्स आगे ना लेके जाए. फादर के 30 साल की उम्र में हुए हो तो उनके 50 साल में जाके बाल खराब हुए. नहीं, किसी के 23 साल में बाल सारे चले गए. 23 साल में, अब 24-23 यार आप. नहीं, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा. कौन है हमारे गिरते एक इंसान है जिनके 23 साल में सारे बाल चले गए. हाँ, तो जो बाल गिरते हैं ना, सबसे पहले ये कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. अब मुझे नहीं पता उनका जो है वो हॉस्टल में है, डाइट कैसी है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तो नहीं लेते. कितना बदतमीज है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं साइमा जी? ठीक हूँ. आप कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र. जी, मैंने देखा आपको, काफी दिनों बात कर की, मैंने कहा आपको रोज परेशान नहीं करना. मैंने नहीं, मैं तो परेशान होना चाहता हूँ, मुझे तो कोई परेशान नहीं करता. पूरे हफ्ता इतवार तो कोई परेशान, कोई भी बात करता मुझसे. 5 दिन तो लोग बात करते हैं. परेशान हो गए तो आपके फ्रंट वाले जो बाल है वो भी उड़ जाएंगे, आप परेशान ना हुआ करें. यार आप लोग कैसे उसको आप लोग बुली कर रहे हैं मेरे बालों में? नहीं बात करनी किसी से. सैन भाई, ये पर्सनल अटैक होना शुरू हो गए. ये हलीमा कॉल करवा रही है. मुझे पता भाई ना, हम बुरा नहीं मनाते भाई को, ये सूट करते हैं इतने प्यारे बाल. आप लोग इट्टे मारना शुरू कर दे मुझे, भाई भी माइंड करते. ये सही है भाई. मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुम कह रहे हो कि ये तुम कॉल करवा रही हो. हलीमा, मुझे पता है ये तुम सारा ये साजिश चल रही हो. तुम इकोनॉमिक का ऑर्डर. आपको इट मारने से क्या होगा, हमारा टीवी या हमारी LCD टूटेगी, आपको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला. हाँ वैसे ये बात है. सुनाए, सब कुछ ठीक ठाक है, टिप टॉप मजे में? बाल ठीक है आपके या आपके भी गिर रहे हैं? जी, मैंने पहले भी डॉक्टर साहब से ये सवाल किया था. मेरी बेटी का मसला है, उसके बाल बढ़ते नहीं, घने तो है लेकिन बढ़ नहीं रहे. तो छोड़े क्या करना है, बढ़वा के घने हैं अगर तो ठीक है. आपने कौन सा रैपुंजल बनाना है, उसने चुटिया फेंक दी और घर वालों ने ऊपर आना उससे. वो पता है कि तकरीबन 12 साल की बच्ची है और उसके छोटे छोटे बच्चे जैसे बाल है. अभी मैंने भाई माइयों की मिसाल दे देनी, फिर उन्होंने नाराज हो जाए. मतलब इतने बाल है, लेंथ बहुत छोटी है बालों की. इतने बालों वाला कोई मसला नहीं होगा किसी को. जी जी, बढ़ते नहीं, बिल्कुल बढ़ते नहीं, घने बहुत है लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती, लंबे नहीं हो रहे. कर लिए बाल, कर लिए बच्ची के? नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत सिल्की बाल. मैगी नूडल्स टाइप? कब से ग्रोथ नहीं ग्रोन? बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल. ठीक है, आपने कुछ पूछे सानिया पूछे कब से ग्रो नहीं कर रहे इनके बाल? लोगों ने
मतलब बच्ची मेरी 12 साल की बच्ची है, 6th क्लास में पढ़ती है, उसके बाल बढ़ते नहीं है, गले तो हो जाते हैं, मतलब उसके बाल सर पे है बहुत ज्यादा, लेकिन वो लंबे नहीं हो रहे, पोनी लगाने इतने भी नहीं है कि पोनी लगा सके, ऐसा भी नहीं है। बड़े आप मुझे बताएं कि जो हेयर ग्रोथ है ग्रो होना कब रुक गई, लाइक एक साल हुआ, दो साल हुआ कि ये बाल नहीं भर रहे? मतलब जब से वो पैदा हुई ना बाल बढ़ते नहीं, छोटे छोटे ही हैं, मतलब एक दो दफा उनकी कटिंग भी करवाई है, बाद लोगों ने कहा कि कटिंग करवाने से बढ़ जाते हैं, वो मैंने कोशिश भी की, लेकिन अभी तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। मसला बना ली, यकीन माने इतना तो हमारा ईरान का मसला नहीं हुआ था जितना आपने इस बालों का मसला बना लिया है। बहुत परेशान हो, कुछ नहीं होता, नहीं बड़े तो कोई बात नहीं, खैर मेरे नहीं बड़े, मैंने कौन सा कर लिया, घने हैं ना, घने हैं तो हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब ये कि कोई अच्छी पोनी लग जाए बस, प्यारे लगे पोनी लगे बस, ठीक है ठीक है। पोनी का मसला है ना, पोनी नहीं लग रही यार, अगर इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है ना तो इवेंचुअली शी नीड्स सम प्लाज्मा के वो उनके फॉलिकल्स में इंजेक्ट हो, तो वो उसको दोबारा से उस फेस में लाए ताकि वो रिग्रो। छोटी सी बच्ची, छोटी नहीं, अगर अभी नहीं ठीक है, 12 साल की है, छोटी हो जाए 5-6 साल बाद, 12 साल में करा सकती है पीआरपी? नहीं 12 साल में नहीं, 3-4 साल बाद, ठीक है 16 में करा सकती है, ठीक है। तो वो उसको प्लाज्मा जाएगा तो वो उसको रिजुनेट वो करेगा, दोबारा से उसको रिजुविनेट करेगा। प्लाज्मा में क्वालिटी होती है हीलिंग क्वालिटी। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, जब आपको हाथ पे कोई ज़ख्म आता है ठीक है, तो जो आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है एक दो दिन बाद, ज़ख्म भर जाता है, वो प्लाज्मा करता है। तो वही हम प्लाज्मा जो है उसमें बहुत कमाल है, ठीक है। तो वो जब बालों में जाएगा तो वो इन्फ्यूज़ होगा, तो उनकी हेयर ग्रोथ में पॉसिबिलिटी होगी। साथ में वही बच्ची को अभी फिलहाल कोई बायोटिन और मल्टीविटामिन्स थे, तो इंशाल्लाह अक्सर होते हैं जो डिफिशेंसीज होते हैं, बच्चे भी माँ बाप ख्याल नहीं रखते, ना डाइटरी, ना फ्रूट है, ना जूसेस हैं, ना उनको प्रॉपर मीट है, तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अगर उनको वो है तो ऑब्वियसली हमारे बालों को यही चीज़ें चाहिए। डॉक्टर शिफा, लोग आजकल ये कह रहे हैं ना, हम क्या करें बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा, हम क्या करें बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा, तो फिर कौन करेगा? फिर जवाब साहब की कॉल भी लेते हैं आप लोग। होल्ड योर थॉट गाइस, होल्ड योर थॉट, होल्ड योर फाइट्स है जी। हमारे साथ जवाब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाब भाई, क्या हाल चाल है, सुबह खैर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़ी मुबारकें ले रहे हैं, मेहनत भी की थी या कोई सिफारिश थी? सर 1.5 साल में सिफारिश तो नहीं चलती, मेहनत भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत की है मैंने, वैसे 6 महीने में भी सिफारिश नहीं चलती, 10 साल में भी सिफारिश नहीं चलती, लेकिन आपकी लगता है कि सिफारिश थी। सर मैंने एमफिल किया है अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी मुबारक हो, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बस अल्लाह ताला। एमफिल वाले लगते तो नहीं है, छोटे से बच्चे ही लगते हैं मुझे तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने किया ना हुमायूं के दिल को पसंद आने वाले, कह रहे मेरे हम उम्र लगते हैं, ये भी कहा उन्होंने साथ में। और जी खैर खैरियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला शुक्र है। आपका बाल ठीक है, आपके सब कुछ सही चल रहा है, कोई पूछता तो नहीं सवाल? अल्हम्दुलिल्लाह बाल तो बिल्कुल ठीक है मेरे, मोहम्मद अली अब्बास के बाल जो है ना पतले हैं, बहुत बारीक बाल हैं, ठीक है जी। तो बस खुराक शुराक जो से अच्छी देते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि ये पता नहीं कोई खानदानी है हमारा। आपके अपने बाल कैसे हैं? मेरे बाल ठीक है। अच्छा, और मोहम्मद अली अब्बास की उम्र क्या है? उसकी उम्र है 13-14 साल। 14 साल, ठीक हो गया, ठीक है। उसके मामू के बाल कैसे? मामू और खालाओं के, नानके के साइड पे बाल कैसे? नानियाल में थोड़े से हैं गंजे लोग ना। अच्छा बस, और खाला के बाल भी ठीक है? खाला के बाल भी ठीक है, लेकिन आपको पता है औरतों का तो कुदरती होता है, तो उनमें फाल आ जाए तो कुछ ना कुछ बालों का तो मसला बनता है। अम्मी के बाल भी ठीक है? हाँ, अम्मी के भी बाल उनके ठीक है, ठीक कह सकते हैं। बस फिर वो मेरे ख्याल में कभी कभी आपकी दोनों उससे वैसे किसी एक साइड पे बाल जाते होते। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे। किस साइड पे गए हैं? अब्बू के बालों पे? यार मेरे खानदान में सबके बाल बहुत अच्छे हैं, तो पॉइंट इज मेरी हेयर लाइन वो स्टार्टिंग में, आप मेरे पिछोड़ तो मेरा पीछा है यार, तो आपको पे पता लग गया क्या? आप पीछे पड़ के हो सारे मेरे बालों की फैब्रिक से हिस्ट्री लूंगी आपसे, तो इसको मुझे ये क्यों पूछ रही है, ये डॉक्टर है, ये कौन है? मैं आपकी अलग से सब हिस्ट्री लूंगी। पता लग गया है कि फिर आपको वहां से उठाया था? यार आप क्या अजीब यार, ये क्या? मिसेस बशीर हमारे साथ है, छोड़ दो उसको। मिसेस बशीर अस्सलाम वालेकुम। मिसेस बशीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस बशीर क्या आपने मेरे बालों को कोई मिसाल देनी हो बताएं, मेरे बालों की कोई मिसाल? सलाम, पहले तो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आमीन। काम करते हैं ना आप, जो प्रोग्राम करते हैं ना, हम देखते हैं सुबह सुबह हंसते हैं, हमें
अच्छा लगता है आप दोनों का प्रोग्राम करना, आपकी बातें, खास तौर पर ये जो भाई बैठा हुआ है ना, माशाल्लाह जो बातें करता है ना, अल्लाह पाक इसकी जिंदगी लंबी करे ना, इसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है हमें। आमीन आमीन आमीन। आप दोनों को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। मिसेस बशीर, ये तारीफें सुन के मेरा एक किलो खून बढ़ गया और प्लाज्मा मेरा पीला आएगा और अब मेरे बाल भी बड़े होंगे मुझे लग रहा है। कोई सवाल पूछना है आपने? जी सवाल तो पूछना है ना, मेरी बच्ची है ना, उनके बाल जो है ना दो मुँह है, बढ़ते भी नहीं है। दो मुँह बच्चियों, ठीक है, स्ट्रेट वगैरह हलीमा की तरह बाल है उसके। बच्ची, हाँ मेरे भी नीचे से हो गए, मैं नहीं, 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 समझी नहीं मैंने क्या कहा। हसन ने इस पर्सनल अटैक किए मेरे पे। आप प्लीज ये बता दे हमें, हम सीधे साधे से लोग हैं। मिसेस बशीर, मैं भी इसी तरह फंस गया हूँ, सीधा साधा सा लोग हूँ, यहाँ इतने लोग चला के इतना मजबूर हो गया पैसों के लिए, क्या के बैठ के जा भी नहीं सकता कहीं, क्या करूँ। आपको अल्लाह सलामत रखे, आपकी बातें जो है ना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनका मुकाबला कर सके इन लोगों का। बच्ची की उम्र बता दे, वो जा चुकी है माशाल्लाह, इनकी उम्र है तकरीबन कोई 16-17 साल है। 16-17 साल। ट्रीटमेंट्स वगैरह तो नहीं दिए कोई? कोई ट्रीटमेंट तो नहीं थी? नहीं नहीं, हम सीधे साधे से लोग है बस, हमें तेल मुश्किल मिलता है। मुश्किल क्यों, आप लोग खुद खोदना शुरू कर देते हैं। मुश्किल तो तभी होगी, बाजार से मिलते हैं 100 रुपए का तेल। मेरी बहन, बच्चों के बालों में खुश्की बहुत है, दूसरा दो मुए बाल है, बड़े भी नहीं होते, कोई शाइनिंग वगैरह भी नहीं है। किस एरिया से हैं ये? आप किस जगह से ताल्लुक रखते हो? डीजी खान से बात कर रहे हैं। डीजी खान, चले ख्याल रखे, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे और उनके मसाइल भी हल करे। ठीक, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी अच्छा, इसमें अगर ये कह रही हैं कि इनके बालों का एरिया बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ की है, बिकॉज पानी वहाँ से वो होता है ना, पानी हाँ, पानी हाँ। जो है, अब इस्लामाबाद इट्स अ प्लांट सिटी, ठीक है, अक्सर लोग होते हैं यूएई में होते हैं, ठीक है, दुबई में, लेकिन कहते हैं जब से हम गए ट्रैवल किया वहाँ पे बहुत हेयर फॉल हो गया, बिकॉज इट्स अ प्लांट, आप जिस एरिया में हो ना वहाँ का पानी भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, पानी कहाँ से आ रहा है, इट शुड बी लाइक इससे वॉश करना चाहिए जो कि पानी लाइक आपका फिल्टर हो, क्लियर आउट हो, सही है। तो एक ये चीज़ होगी, डिपेंड करता है एरिया वाइज, इसलिए पूछना ज़रूरी होता है कि उस पानी में होता है ना पानी केमिकल से फिर फिल्टर आउट होकर केमिकल्स तो रह जाते हैं। कभी हम भी वॉश करते हैं, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम पिशावर, लेकिन व्हेन आई मूव्ड हियर सो आई फेल्ट द डिफरेंस इस्लामाबाद और पिशावर। पख्तून दे? नो आई एम नॉट पख्तून बट आई एम फ्रॉम पिशावर। नो पख्तून दे? नो 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 आई एम नो कहती नो नो जी। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम, जो लगा पठान है नहीं? हेलो, पश्तो भी नहीं। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, कश्मीरी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं जी? हम बिल्कुल ठीक हैं। मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो रहा था पिछले साल से ना। जी जी, क्या? मेरे हेयर जो ना पिछले साल से लेके बहुत गिर रहे हैं, तो आप मुझे ना थोड़ा सा गाइड कर देंगे मुझे क्या करना चाहिए? आपकी एज क्या है? मेरी एज है 30 साल। अच्छा, आप मैरिड है? मैरिड है? अनमैरिड हूं सर। और आपके कोई वो हार्मोन्स के पूछ रही? मेडिकल हिस्ट्री है, डेंगू कोविड हुआ, डेंगू कोविड हुआ आपको? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे में बीमारियां तो ना निकाले ना आप लोग। नहीं नहीं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं आपसे। हम तो अल्लाह ना करे आपकी बीमारी निकाले, हम तो पूछ रहे हैं कि कोई बीमारी खुदा का खासा है तो नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक, हम बहुत खुश हैं और बहुत स्टेबल है हम लोग, और हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है, हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं है कि स्ट्रेस लेना पड़े हमें, ना ऐसी कोई भी आदत नहीं है। और डाइट कैसी है आपकी? डाइट कैसी है आपकी? डाइट अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है, सही खाता हूँ, ब्रेकफास्ट भी सही करता हूँ, डिनर भी सही करता हूँ, लंच भी सही करता हूँ, एवरीथिंग ओके ना। एज क्या बताइए आपने अपनी? 13। 13 है, ठीक है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली हलीमा अजीब सी बातें करती रहती है ड्यूरिंग द शो, हम उस बात पे हंस लेते हैं, आप पे खुदा ना खास्ता। आप तो बहुत छोटे हो अभी 30 साल के, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपने PRP कराई है कभी? 13 साल के? नहीं नहीं, आपने 13 का है, 30 का है? आपने पहले 30 कहा था बेटे? 30 साल। 30 साल। तो आपने PRP कराई है कभी? नहीं नहीं। आप रहते कहाँ पर हो? कहाँ पे? आपकी ठीक है? कराची। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बोला ना एवरीथिंग ओके।
ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर भी कोई नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करता ही नहीं जिससे मुझे स्ट्रेस लेना पड़े। शैम्पू वगैरह आप कौन सा लाइक यूज करते हैं, सल्फेट फ्री और उसके अलावा? नहीं, शैम्पू तो वगैरह मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता, बाकी यहाँ लग। तो क्या कर रहे हो आप, किससे आप किससे आप हेड वॉश करते हो? अच्छा, साजिद के होंगे सब मसाइल, ठीक है, बालों का क्या मसला ही है क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने एंड में कहा ना मैं शैम्पू यूज नहीं करता, पे किस चीज से सर धो रहे हैं? ऑब्वियसली ये वजाहत की तरह धो रहे होंगे आपके, उसकी तरह वो भी तो साबुन से धोता है ना? नहीं, बिकॉज़ आपका जो चीज है डिपेंड्स ना आप शैम्पू को, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सल्फेट फ्री शैम्पू जो हम कहते हैं डॉक्टर्स मेडिकेटेड, इसमें फ़र्क ही यही है कि इसमें सल्फेट फ्री होता है, ठीक है, केमिकल्स कम होते हैं। अगर वो कह रहे हैं मेरी सब कुछ हेल्थ ठीक है, तो फॉलिकल को ऐसा क्या हिट कर रहा है कि वो वीक हो रहा है? या तो वो जेनेटिकली कर रहा है, ठीक है, जीन्स की वजह से 30 में आए हैं तो आपका हेयर फॉल्स ज़्यादा हो गया है, या तो फिर कुछ ऐसा है कि उनके बालों को लग रहा है, जैसे कि शैम्पू हो सकता है, अब उनको बताया नहीं कि कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज यूजिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अपनी लिप वाली बता दूं। हाँ जी, मैंने लिप वाली भी बता दूं, ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक है जी, हम यहाँ ब्रेक है, ब्रेक के बाद मेरा टोटका ऑफ लिप, फिर जब वापस आएंगे तो हुमायूं आप लोगों को एक टोटका बताएगा। अगर मैं सलामत रहा, अलीमा ने मुझे ब्रेक में ना मारा तो, अगर मैं ब्रेक में यहाँ तक क्रैक है तो उनके लिए वो टोटका आप लोग जरूर आजमा के फिर हमें कॉल करके बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लें, छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं ने आप लोगों को बताना है कि लिप क्रैक जिनके हो जाते हैं सर्दियों में, उसका टोटका जी बताओ। जी अच्छा, दो चीज़ें मेरी कोई हो रहे थे, तो पानी आपने एक तो ज़्यादा पीना है, क्योंकि आपकी जो भी स्टमक होता है ना, उससे ना मैं बताने लगो ख़त्म कर लूँ, आपका जो स्टमक होता है ना उसकी ब्रेथ से आपके, क्योंकि ये होंठ जो है वो ज़्यादा सूखते हैं, एक तो पहली चीज़ पानी ज़्यादा पीना। सेकंड थिंग इज, मुझे मेरी अम्मा ने बताया था कि जो बलाई होती है ना, बलाई मैं वो लगाता हूँ, बलाई ना उसको लेके ना, दूध की बलाई, हाँ। बलाई कहते हैं ना, हाँ बलाई कहते हैं, बलाई भी कहते हैं, हाँ मलाई वो जो होती है ना, वो आपने इस पे लगानी है हर डेली सुबह निहार मुंह आपने उसको लगानी है, और उससे आपने करना है, फिर रात को सोने से पहले भी आपने लगानी है। और भी बताओ ना, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके घर में वो वाला दूध नहीं आता, टेट्रा पैक वाला आता है, ये भी कहते हैं हनी और जो शुगर होती है, ठीक है, उसको आप स्क्रब सा करके एक्सफोलिएशन हो जाती है ना, ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए। अच्छा, दो सवाल है, जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है। एक तो ये कि सर्दियां आती हैं तो हाथ काले हो जाते हैं, इसकी क्या रीजन है और इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भी कोई टोटका हो तो आप जरूर शेयर करना जी। ठीक है, इसके लिए आप यही कर सकती हैं, सर्दियां आती हैं तो हमारे वही बात आ जाती है कि ज़्यादा रफनेस ड्राइनेस की वजह से जो है हाथ काले पड़ जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे तो कीप ऑन मॉइस्चराइजिंग, आप अपने बैग में फॉर द फीमेल्स एंड फॉर द मेल्स टू, कोई छोटे हैंड पॉकेट्स वाले होते हैं मॉइस्चराइजर जो कि जिसमें हेलोरॉनिक भी होते हैं, हाइड्रेटिंग भी होते हैं, आप रखें और हर टू आवर्स बाद आप यू जस्ट कीप ऑन मॉइस्चराइजिंग योर हैंड, ताकि उनको मॉइस्चर मिले। वेरी ट्रू। ठीक है, आपके जो हैंड्स होते हैं ना, वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तभी वो डल हो जाती है। ठीक है, साथ में आप ये करें तो इट विल हेल्प यू। और क्योंकि अभी सर्दी है तो आप गर्म पानी भी यूज करते हैं, ठंडा भी यूज करते हैं, तो आप बार बार वजू भी करते हैं, तो उससे भी आपके बार बार हैंड्स ड्राई हो जाते हैं। तो व्हाट आई डू इज, मैंने एक बड़ा सस्ता सा मॉइस्चराइजर लिया हुआ है, मैं बस वो थोड़ा सा सा लगाता हूं, मैं बस से हाथ, और याद रखिए सही होता है, याद रखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट अपने हाथ को जरूर दे मसाज करने के लिए, ताकि वो पोर्स में जो है ना वो सेटल इन हो जाए सारा मॉइस्चराइजर। अच्छी चीज है। अच्छा, शैम्पू और कंडीशनर का उन्होंने पूछा था कि अगर आप नाम नहीं लेना चाहती तो कोई ऐसी चीजें बता दें जो उसके अंदर मौजूद हों तो लोग खरीद लें और उनके बातों के लिए बचाओ, क्योंकि हर जो आजकल शैम्पू आ रहा है उसमें सिर्फ वो जिस तरह हुमायूं ने कहा कि एसेंस होता है अंदर, उसके कुछ भी नहीं होता। कोशिश करें सबसे पहले, जो अगर ये जो आ रहे हैं मेरे पास कॉल्स आई हैं कि 13 इयर्स के, 15 इयर्स के, ठीक है, तो कोशिश करें अपने बच्चों को ऑर्गेनिक शैम्पू होते हैं, ठीक है, वो करें, बजाय इसके कि आप जो आप यूज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि उनके फॉलिकल्स अभी यंग हैं, ठीक है, तो आप उनके वो शैम्पू उनके लिए ना कोई ऑर्गेनिक रखें। अपने लिए मैं सबको यही कहूँगी, यूज़ एवरी वन शुड यूज़ लाइक एट, अगर आपको आप अवेयर हो जाते हो तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, ठीक है, मेडिकेटेड शैम्पू यूज करें, लिखा होता है 0% सल्फर, वो वाला सही होते हैं, सल्फेट फ्री होना चाहिए, तो उसमें आप मेडिकेटेड हो या कोई आपको एडवाइस करे, ठीक है, तो आप वो इस्तेमाल करें, बजाय इसके जो बाकी जो शैम्पू होते हैं, आई डोंट वांट टू
टेक आउट दी नेम्स बट इनमें सब केमिकल्स सब कुछ फ्रेग्रेंस। डॉक्टर शिफा पता है मैंने जो आप मेडिकेटेड कह रही है मैंने एक बार मेडिकेटेड यूज़ किया था, अल्लाह माफ़ करे जो मेरे बालों का गिरना उस वक्त शुरू हुआ था, इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ। मैंने एक मेडिकेटेड शैम्पू लगाया था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में बाल आते थे। एक्सपायर तो नहीं था यार ये मुझे नहीं पता, वैसे मुझे देखना चाहिए था, बट आई डोंट नो, बट इट हैज रूइंड माय लाइफ। हमारे साथ है कॉलर साइमा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द टेक्सला, क्या हाल चाल है साइमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक साइमा जी, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया साइमा जी। अगर आप आज हलीमा को कह रही प्यारे लग रहे हैं तो एक्चुअली प्यारी लग रही है। नहीं आप भी बहुत प्यारे लगते हैं भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया। आप भी। अच्छा मेरी मेरी बात करनी है, मेरी आवाज जो है मेरी आवाज जेंट्स जैसी लगती है ना हर किसी को, ये मेरी भी कॉल की ये कह रहे थे देखे ये मर्दाना आवाज है, मैं तो कह रही हूँ मैं फीमेल, मुझे इतनी खूबसूरत लगी जो हस्की आवाज होती है जैसे रानी मुखर्जी की है, आई जस्ट लव हर वॉइस, मुझे वो पसंद सिर्फ इसलिए थी कि उनकी आवाज में ना एक खनक थी, एक हस्की थी, आपकी बिल्कुल रानी मुखर्जी जैसी आवाज है, बहुत खूबसूरत आवाज है। मैं हालांकि नहीं आप सही कह रहे हैं लेकिन मुझे भी एक दफा कॉल आई ना, रॉन्ग कॉल दूसरा नहीं आती इस पे तो अच्छी बात है, शुक्र अदा करें आप, शुक्र अदा करें आप। बल्कि आप तो अपने आप शादीशुदा हैं मिस साइमा जी? जी सर मैरिड। अच्छा तो आपके लिए तो मसला ही हल हो गया, किसी भी कॉल आए तो अपना शौहर बन के कॉल करें। हाँ जी कौन बात कर रही हैं आप, तो सारे राज खोल देगी है ना, पकड़ी जाएगी जी, क्या कहेंगी? अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ना मेरी बेटी की तरफ थायराइड का मसला हो गया था, तो उसकी डिलीवरी के बाद तो मेरे मुंह पे कोई निशान नहीं था, लेकिन मेरी दो महीने के बाद मेरी आंख के साथ छोटे छोटे ना स्पॉट बनने शुरू हो गए, और एक साल के बाद पूरी छाई जैसे छाई सी बन जाती है ना आंख के साथ, और एक साल के बाद दूसरी तरफ शुरू हो गया है, तो ये क्या मसला हो गया है? मुझे थायराइड का मैंने ऑपरेशन करवा दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है, उसके बाद मुझे थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और मेरे बाल भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप मुझे इसका हार्मोनल चेक करवाया है, प्रोफाइल करवाइए, हार्मोनल टेस्ट करवाए? नहीं वो तो नहीं, एक बार वो भी करा ले, और किसी से ना मैं आपको अपना मशवरा दे रहा हूँ, किसी से मुकम्मल अपना मुआयना भी करवा लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको अपना मुआयना ज़रूर कराना चाहिए, ये जो बाल गिर रहे हैं ना और साथ में आपको ये स्किन का भी इश्यू हो रहा है, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, खुदा ना खास्ता किसी और चीज़ की अलामत ना हो, अपने आप को जरूर चेक करवाएं आप, अब इसके बाद डॉक्टर शिफा आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सॉरी एक और कॉल ले तो फिर इसका जवाब दीजिएगा। वकास हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, कैसे हैं जी आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी ऐसे है कि आई एम 34 इयर्स ऑफ एज, हेल्दी मेल, मेरे बाल प्रीवियसली स्ट्रेट थे बिल्कुल, एंड दे वर हेल्दी शाइनी, ओके, बट सिंस द लास्ट 2-3 इयर्स मेरे बाल, व्हेनेवर आई कम आउट फ्रॉम द शावर तो मेरे बाल सैंड बैग जैसे हो जाते हैं, ओ माय गॉड जैसे, सॉरी, और देखो सैंड बैग के पास जैसे नहीं होते, शुक्र करें सैंड बैग जैसे नहीं होते, वरना तो बहुत वो खतरे वाली बात है। ओके सो आई मीन आई ऑल देम at times aur meri line over kaisa hai ki I have to style them every day so ek second vakas you said mere jaise ho jaye that means curly ho jate hain ya wavy hote hain bahut zyada there is a difference between wavy and curly direction mein ja rahe hote yes okay to uski bhi ye reason kya hai ki achanak se the texture mein change aa gaya dekho very dry as well okay theek hai you have an example in front of you mere bilkul straight baal the बचपन में और आई हैड कम्प्लीटली स्ट्रेट हेयर और ये मेरे तकरीबन 10 साल के बाद स्टार्टेड बिकमिंग कर्ली बिकॉज आई हैव इट फ्रॉम माय मदर और माय फादर एज वेल तो मुझे मेरी अम्मा के भी कर्ली थे मेरे भी थे तो मेरे भी 10 साल के बाद हुए। वकास भाई फैमिली में है किसी के कर्ली बाल? नो। ओह दैट इज स्ट्रेंज। अच्छा अच्छा And what do you want to ask? आप क्या उसको स्टाइल करने के लिए पूछना चाह रहे हो या बाल कम हो रहे हैं? मैं the reason why they gone dry from black shiny straight hair to dry dull and curly wavy हो गए। ठीक है तो कोई हिस्ट्री वगैरह मेडिकल हिस्ट्री कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी कोई कोविड हुआ हो डेंगू हुआ हो कोई नहीं ऐसा नहीं है ओके वैसे आप उसको ये भी पूछ रहे हैं कि स्टाइल कैसे करें उनको ये भी पूछ रहे हैं
नहीं, स्टाइल करने के लिए मुझे फिर ब्लो ड्राई यूज करना पड़ता है ऑलमोस्ट एवरी ऑर्डर। नहीं, यू शुडंट। कोई 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 ऐसा प्रोसीजर वगैरह हो ना, जिस तरह केराटिन आजकल आया हुआ है, तो उससे आपके बाल बहुत बेहतर कंडीशन में चले जाते हैं। हलीमा, दैट्स द वर्स्ट प्रोसीजर एवर। आई एम सॉरी, मैं ऑन एयर बैठ के कह रहा हूँ, केराटिन कभी नहीं कराना आपने, वो केमिकल, एवरीथिंग इज केमिकल। आई एम सॉरी, मैंने बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट मी, मेरी पूरी इंटायर फैमिली, कोई भी प्रोसीजर है उसमें केमिकल होते हैं। पी आर पी इज द बेस्ट सोल्यूशन, मुझे लगता है, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपके ब्लड लेकर आपको, हाँ, have you taken it? PRP, yeah, I have. और मुझे उससे फर्क पड़ा, मेरे बाल गिरना बंद हो गए। अच्छा, दूसरा, आप अगर स्टाइल करना चाहते हैं ना, तो ये कर्ली बालों का स्टाइल बनाए, इट्स द बेस्ट हेयर स्टाइल एवर, ट्रस्ट मी, एंड इट्स इन ट्रेंड ऑल्सो। ठीक है, ओके okay. अभी आपको बताते भी हैं कि क्या मसला है। यू थैंक यू सो मच वकास भाई फॉर कॉलिंग। बालों का आपके जो टेक्सचर चेंज होना, ठीक है, अगर वही बात आती है, अगर ये ऑलरेडी आपकी जीन में एक चीज पड़ी हुई है, जीन्स में पड़ी हुई है, तो इट कैन हैपन इन अ सर्टेन एज। अच्छा, हाँ, इट कैन हैपन बिकॉज, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हुआ, exactly, तो इट कैन हैपन, इट डजंट वो, पर यू, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये चीजें फिर अलग है। ठीक है, हाँ, आप एक सर्टेन एज, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली में ऐसे कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी के बाल कर्ली नहीं है, पर हलीमा, द जीन्स डजंट हैव टू गो विद, कि अगर मां बाप में भी नहीं है, जीन्स कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द मैटरनल। कुछ चीजें हमारी बॉडी में डोरमेंट रहती है, माइनर किब से डोरमेंट रहती है, ठीक है, वो एक सर्टेन एज पे जाके आ जाती है, डोमिनेंट हो जाती, डोमिनेंट हो जाती है, ये आपकी बॉडी में पड़ी रहती है। ठीक है, डजंट मीन, क्या वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा ड्राई है, बेहतर कैसे हो सकते हैं, कुछ बेहतर टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम हलीमा, आपने केराटिन की शायद आप फेवर में, आप बता सकते हो, सकते हैं मैं गलत हूँ, मेरा एक्सपीरियंस गलत हुआ केराटिन केमिकल्स ये एक्सटेंसो के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। आप जब किसी को देखो भी, तो आप वो स्मेल देखो, कितने केमिकल होते हैं। थैंक यू डॉक्टर शिफा, आई वेंट विद माय सिस्टर, शी वाज हैविंग हर हाइलाइट्स एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग, इतनी स्मेल है, मैंने कहा यार आप देख नहीं रहे हो कितनी स्मेल है। सो ट्रू, एंड इवेंचुअली उसको फिर हेयर फॉल हुआ उसके बाद, एंड शी हैड, उसके घने बाल थे। आई स्टे अवे फ्रॉम, इवन जो फीमेल्स डाई करती हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग। नहीं है ना जरूरत, अब क्या करें हमारे साथ। आप किधर थी, आप इतने दिनों से कॉल नहीं किया? जी मेरी बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आप खैरियत से? आप अल्लाह का शुक्र है। जी मैं ठीक हूँ। तो आज मैंने मुबारकबाद भी देनी थी डिग्री की। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आज अब्बू की जैकेट पहन के आए हैं, बड़ा फख्र महसूस। ओह माय गॉड, वेरी गुड यार, वेरी गुड मेमोरी, माशाल्लाह। यस, ये मेरे वालिद साहब की जैकेट है। यस, हाँ जी, वही कह रही हूँ, वालिद साहब की जैकेट पहन के तो एक और ही लुक आती है भाई। सर बहुत शुक्रिया, बस मुझे खुशी होती है, चीजें पहन के ही तो लुक आ रही है। हाँ, और तो लिटरली आई एग्री, आई एग्री। और हलीमा ने तो आज सर्दी और ही बढ़ा दी है, वो बड़ी नहीं, एक्चुअली मसला ये हुआ था, आई विल गिव द डिस्क्लेमर, यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस वाले कम थे, इसके बाद उसकी ड्यूटी है सिग्नल पे, इसने पास करानी है। हाँ जी, चलें ठीक है। अच्छा, और एक वो पुराने साल वाले जी साबका अल्फाज वापस लेते हैं, तो जो इम्तियाज भाई के लिए और हमायूं भाई के लिए, दोनों के लिए नए अल्फाज के, नए साल के नए अल्फाज हैं जी, के जो आपकी मंजिल जो है कोई शख्सियत हो या आपका कैरियर हो, जो भी आपकी मंजिल हो आप सोचें, वो आपके सामने हो। आमीन, क्या बात है, क्या बात है। मुझे पता है शख्सियत वाली दुआ किसके लिए दी है और करियर वाली किसके लिए दी है। मेरी बात सुने सिमाब, मेरी बात सुने, ये मेरा नाम नहीं लिया आपने, हसन भाई का आपने नाम नहीं लिया, ये खुला तजाद नहीं है क्या? खुला नहीं, नहीं, दोनों अच्छा, हसन भाई भी बिल्कुल शामिल है, उनसे मेरी पहले बात हुई है, फिर वो कहीं गायब हो गए हैं। आप उनके बालों के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें बाल दे, और हलीमा को देख लिया, कौन कर रहा है डायरेक्ट हिट, देख लिया जी जी। नहीं नहीं, उधर की बाल की बात नहीं कर रहा, सर के बाल की। भाई डॉक्टर साहब इग्नोर हो रही हैं, वो एक तो डॉक्टर हैं, फिर शिफा भी हैं, तो वो तो टू इन वन बात हो गई है, और ऊपर से हसीन बाल भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक खूबसूरत भी हैं, फिर तीसरी बात भी हो गई।
तो उनसे एक सवाल भी था कि एक ना इचिंग जो है ना सर में, उसका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके लिए काइंडली बता दें कि ये जो प्याज का भी अभी कोई कॉलर जिक्र कर रहे थे जी, तो इसके लिए कोई बता दें कि एक ना पानी जो गर्म चश्मे का पानी था उससे थोड़ा सा फाका लोग बताते हैं, तो उसके लिए कोई आसान घर का कोई आप बता दें, या कोई शैम्पू इस तरह की चीज रिकमेंड कर दें काइंडली। ठीक है सिमाब, इंशाल्लाह ज़रूर हम पूछते हैं कि सर्दी गर्मी हो हर मौसम में बालों में जो इचिंग होती रहती है उसका क्या है भाई, किस तरह से वो ख़त्म की जा सकती है। हमारे साथ रुबीना है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमायों आपको बहुत बहुत मुबारक हो डिग्री की। खैर मुबारक जी, सलामत रहे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने प्यार से बोल रही है, लिटरली लगता है आप हमारा नाम ही बोलती रहे। हम डेरा इस्माइल खान। हाँ ना, आप लोग की जो जुबान है वो इतनी मीठी है माशाल्लाह, आपकी जुबान ही बड़ी मीठी है। बिल्कुल ठीक कह रही है। अल्लाह पाक का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा है, हम इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहिबा रुबीना जी, आपकी जुबान सराइकी है ना जी? मेरे मुझसे किसी ने ना सवाल पूछा था कि आपने अगर कोई जुबान सीखनी हो तो कौन सीखेंगे, तो मैंने लिटरली कहा मुझे सिर्फ सराइकी सीखने का शौक है। बड़ी खूबसूरत जुबान, बहुत मीठी, बहुत मीठी, बहुत खूबसूरत जुबान है। आप डांट भी रहे हो ना इस जुबान में, आपको अगले को पता नहीं लगता कि आप डांट रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कोई सराइकी लड़की ढूंढे ना रुबीना जी। जी रुबीना जी, कोई डेरा में कोई लड़की तो ढूंढे भाई के लिए, यार मैंने शादी करनी है, सराइकी जुबान ही सुनता रहूंगा उससे। वो सादा लोग आपको को पसंद आते हैं? मुझे सादा लोग ही तो पसंद आते हैं, अल्लाह तो पढ़े लिखे क्या हुआ है? मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसे फोन पे पूछे ना कितने लगा वज है, हाय 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 कितना अच्छा लगे, कीवे लगदा वदा है, बहुत सोणा लगदा पिया हाय। तू ऐजी मिल जाए ना जो मेनू ये गल्ला करे, मैं तो तेरी भेण आ वडी। तो वडी भेण कह रहे ना, वडी भेण मेरे ते ढूंढ दे कोई सोणा सोणी जी कुड़ी, ऐसे कुड़ी होते, कुड़ी होती होगी नहीं, मुंडी होती होगी, मुंडी 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 होती है, मुंडी नहीं होती, लड़की होती है। नहीं आप लोग क्या कहते हैं प्यारी सी लड़की को? लड़की छेर 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 मुंडी उनके दिमाग में बैठ गई है मुंडी। अच्छा क्या पूछेंगी रुबीना जी? जी डॉक्टर साहिबा से सवाल कर रहे हैं, मेरा बेटा है उसकी उम्र 17 साल है, उसके सर में बहुत ज्यादा खुश्की होती है। ठीक है जी, और गिर रही होती है ऐसे, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो दूर है ना आना जाने में, ठीक तो हो गया, सर्दी ज्यादा होती है, गाँव का माहौल है। चले अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं, सलामत रहे डॉक्टर साहिबा को मेरा। ओ वाले आपको सलाम, आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी जी, हमारे साथ सना है जी, अस्सलाम वालेकुम सना। सनम, सनम सनम है यार, हलीमा सनम नाम है उनका, अस्सलाम वालेकुम सना, उनका नाम है हलीमा। सना जी कैसी, सना जी कैसी? शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक। इज्जत और जिल्लत जो है, क्या क्या कहना चाहेगी सना जी? मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मेरे बाल जो है ना बिल्कुल झाड़ू की तरह हैं। अच्छा ठीक है, कर लें डॉक्टर साहब से बात। मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू की तरह हैं। क्या नेम है इनका? सना। सना सना थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगी मुझे? पीछे प्लास्टिक लगा हुआ है झाड़ू के लिए। सना जी जी, सना कह रही है हिस्ट्री बता दे मुझे, पिछली माजी में क्या था इन बालों का हाल? कोई ट्रीटमेंट्स कराए हो, कुछ आपने आयरन ज्यादा करती हो, स्ट्रेटनिंग वगैरह? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, उसके अलावा आपका वाटर इनटेक कैसा है, पानी कितना पीती हैं? वो बस नॉर्मल। नॉर्मल, ज्यादा आजकल सर्दियां हैं तो बहुत ज्यादा हॉट वाटर से तो आप शॉवर नहीं ले रही जी? नहीं नहीं बस वो भी बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल, कोविड डेंगू हुआ है आपको? नहीं नहीं ठीक हो गया। क्या मस्ता चल रहा है, बाल हमेशा से ऐसे थे सना या अभी आके ऐसे खराब हुए? ये दूसरा साल है बड़ा। ऑयलिंग करती हैं रूट्स पे या कुछ इस तरह कंडीशनर यूज करती हैं? यहाँ पे हमारे पास नहीं, सब डॉक्टर नहीं, नहीं नहीं वो बहुत कम बहुत कम करती हैं। आप शादीशुदा हैं? हां जी, हम तो कसौटी खेल रहे हैं यहां पे। अच्छा शादीशुदा है, देखिए हार्मोनल चेक कराया आपने? ये पूछना है आपने? नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं कराया। देखिए
थैंक यू सो वेरी मच। अभी अब पूछ के बताते हैं आपको। अभी पूछते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तीन चार सवाल हैं हमारे पास आप लोगों के, वो पूछेंगे कहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम आपसे जो मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, हम चाहते हैं आप भी हंसे, हम भी हंसे। देर इज नो हार्ट फीलिंग, वी लव यू ऑल। अगर हम हंस भी रहे होते ना, हम शायद कोई ऐसे कोई जोक मार के हंस रहे होंगे। हम चाहते हैं हम आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दें। हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। मच जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं डॉक्टर शिफा? आप हंस क्यों रहे हैं? डॉक्टर शिफा मुझे बताइए, वो जो आपने कहा था, वो जो ड्राई झाड़ू जैसे बाल हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं? वो कैसे सिल्की मुलायम और चमकदार हो सकते हैं? हो सके तो घर में ज़्यादा ऑयलिंग करें, ठीक है, चेंज ऑफ घर में करें, ठीक है, ऑयलिंग वगैरह वीक में ट्वाइस अ वीक करें, ठीक है, ताकि, और कंडीशनिंग करें, रूट्स पे कंडीशनर यानी कि लगाएं, स्काल्प पे नहीं लगाना। उसके अलावा वही मैं बोलूँगी, वाटर इनटेक और ऑयल, अगर आपके झाड़ू जैसे हैं तो फिलहाल ऑयल ही लगाएं। अगर टेक्सचर इंप्रूव करना है, उनमें शाइन लानी है, देन गो फॉर द प्रोसीजर्स। लेकिन पहले ये चीज़ घर में भी ठीक हो सकती है, मतलब इतनी कोई बड़ी चीज नहीं। अच्छा, एक कॉलर की कॉल आई थी कि जी थायराइड का इशू था, डिलीवरी हो गई, उसके बाद स्पॉट्स बन गए, जिनका हमने कहा था कि बिल्कुल सही हो गए, लेकिन स्पॉट्स जो हैं वो बन गए हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि प्लाज्मा पैचेस को भी वो स्पॉट्स कहीं थी आंख के इर्द गिर्द बन गए और अब खत्म नहीं, और बाल भी गिर रहे। अच्छा, इनका मुझे लगता है कि शी शुड गेट हरसेल्फ चेक्ड, बिकॉज इनका अगर हार्मोनल और थायराइड का इशू है, ठीक है, साथ में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, PCOS का एक होता है, ठीक है, कंडीशन होती है जिसमें आपका हेयर फॉल, थायराइड, वेट गेन, ये सब आता है, ये एक फीमेल कंडीशन है, सही है। तो इसमें अगर कोई फीमेल्स है ज़्यादा, मेल्स में तो चलो हेयर फॉल हो रहा है आपके, जेनेटिकली हो रहा है या डिफरेंट रीजंस हैं, बट डॉक्टर साहिबा थायराइड दोबारा भी हो सकता है उनको? दोबारा इट कैन रिकवर, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशंस 935 पर हो, फिर आप प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हो, और सर्टन हेट पे कुछ कहते हैं ना, आपको वेट भी लूज करना चाहिए इस कंडीशन में, PCOS में, आपके ओवरीज के इर्द गिर्द फैट। वो दिन आपसे पूछा भी था कि शुड आई स्टॉप टेकिंग थायराइड की मेडिसिन या ले लूं दोबारा शुरू कर दूं? नहीं, उनको अभी फिलहाल से दोबारा अगर उनको आ रहा है, ठीक है, तो शी शुड, अगर उनका वो इशू सॉल्व हो गया है, ठीक है, तो शी शुड स्टॉप टेकिंग इट। लेकिन अगर उनको मिलाज्मा आ रहा है आफ्टर द प्रेगनेंसी, सो मिलाज्मा का ये होता है, आप जब प्रेगनेंसी में होते हो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है, इसमें आपको होते हैं आपकी विटामिन डी की में भी डिफिशेंसी आ रही है, मिलाज्मा इस वजह से भी हो सकता है, आपका एच भी बहुत कम आता है, तो तभी मिलाज्मा का पैच आ जाता है। दे आर मैनी रीजन्स फॉर मिलाज्मा, बट इट इज़ ट्रीटेबल। मैं ये नहीं कहूँगी, आई हैव मैनी पेशेंट्स, मेरी पेशेंट्स कश्मीर काफ़ी दूर से आती हैं, बट ट्रीटमेंट थोड़ा सा इसका टफ होता है, इंजेक्टेबल्स होते हैं जिसे हम मीजोथेरेपी कहते हैं, ठीक है, मैं मेडिसिन भी देती हूँ टॉपिकल लगाने के लिए भी, जिससे ये आपकी ग्रेड को थोड़ा सा, मेलेनिन की प्रोडक्शन को थोड़ा रोक देता है और आपकी स्किन को थोड़ा लाइटर कर देता है। तो इसमें ये होता है कि गेट योर सेल्फ चेक, पहले आप अपना HP वगैरह चेक करा लो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। डॉक्टर साहब, इनिशियली आपने इसी हेयर फॉल के बारे में बताया था, बायोटिन, अगर आप 30+ पे बायोटिन लेते हैं, आपको हेयर फॉल नहीं भी है बट यू स्टार्टेड टेकिंग बायोटिन ताकि जो है वो गिरे ना, तो क्या बायोटिन की टैबलेट्स लेना, इज इट फीजिबल कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? नहीं, बायोटिन इज़ फीजिबल, बायोटिन आप लो, ठीक है, ये आपकी वो है, नेल्स के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी हेयर के लिए भी अच्छा है। बट वन थिंग, एक चीज़ मैं बताऊँगी, पाकिस्तान में बल्कि एशिया में एक स्टडी है, साइंटिफिकली सब देख भी लें, 80% लोग जो होते हैं वो विटामिन डी के, यानी वो डिफिशिएंसी होती है, विटामिन डी का शिकार होते हैं, ठीक है, बाहर वगैरह में तो यूके वगैरह में उनको तो सन एक्सपोजर मिलता ही नहीं, सनबादिंग करते हैं वो लोग ना, हम इतने रेगुलर होते हैं, हम भी हैं तो हम घरों में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट, हमें ना बताया जाता है कि ये भी स्टैंडर्ड है, चलो किसी ने अवेयरनेस है, वन और आपको सनबाथ लेना चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन डी रोजाना सही है, या तो फिर आप सप्लीमेंट्स लो, ठीक है, आपने कहीं तो बैलेंस करना है ना। आप जब, आप हम जो हसल पसल में लगे रहते हैं, ठीक है, रोज़ उठे काम, पता नहीं क्या खाया क्या नहीं पिया, गए काम किया, ना विटामिन डी ले रहे हैं, ना हम वो, ना सन बाथ ले रहे हैं, ना पता क्या न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, क्या पता जो आया सामने खाया पिया हजम किया तो वो निकलिया, तो वो चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान में 80% फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होती हैं, विटामिन डी की डिफिशेंसीज में आ जाती है, ठीक है, और मेल्स का भी होता है। मेरे इतने पेशेंट्स हैं, जब एक दफ़ा IG ट्रीटमेंट डॉक्टर साहिबा नहीं बाल रुके, जब मैंने उनका
उनका सेकंड अटेम्प्ट में विटामिन डी की रिपोर्ट्स करवाई, सो दे वर लाइक बिलो द एवरेज। ठीक है, तो नहीं हो सकता ना ट्रीटमेंट, आप ले भी लोगे तो नहीं। लेकिन आपने जो मल्टी विटामिन्स कहा था, अगर वो ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी वहां से पूरा हो जाता है? नहीं, मल्टी विटामिन समथिंग डिफरेंट। मल्टी वो जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं वो यूनिट्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। नहीं, पर अगर आप मल्टी विटामिन ले रहे हो उसमें विटामिन डी भी तो होता है, इज दैट नॉट एनफ? नहीं, दैट्स नॉट एनफ। ओ माय गॉड, अगर आप बिलो द लाइन हो तो आप उसको रीच करोगे ना। अब मैंने वही पहली बात बोली, हेयर फॉल के बहुत रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है। डैंड्रफ के भी यही सारे रीजंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ने वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि जी डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, वो 17 साल की उम्र का गिर रही है, गिर रही है उनको। वो फिर एक कंडीशन होती है, उन्होंने भी कॉल करके समाप ने भी पूछा था कि दोनों सीजन जो इचिंग नहीं खत्म होती, वो भी क्या डैंड्रफ की वजह से होती रहती है? हाँ, डैंड्रफ की वजह से इचिंग हो सकती, कॉज कर सकती है। एक कंडीशन होती है डर्मेटाइटिस, ठीक है, वो काफी लोगों को होता है, जिसपे आपके पैच बन जाते हैं, फिर वो पैच गिर रहा होता है। दे आर मैनी डिफरेंट कंडीशन इसमें आपको हो सकता है, उसमें फिर आपको एक अच्छा मेडिकेटेड शैम्पू यूज करना चाहिए। ठीक है, वाटर का भी तो इश्यू हो सकता है, क्योंकि हम लोग कभी भी ठंडे पानी से, हम गर्मियां भी हो तो हम गर्म पानी से धोते, सर्दी में तो सबका, नो वन कैन डिनाई दिस, सर्दी में तो हर कोई चाहता है कि गरम गरम पानी हो स्कैल्प पर लगे, तो वो ऑब्वियसली क्या करता है, ड्राई भी कर रहा है। तो आपको नहीं, हलीमा तो चूल्हे पे देश का रखा होता है, गर्म उसी में डसा डुबो देती है, इतना गर्म पानी से नहाती हूं मैं, क्या करूं डॉक्टर साहब, बहुत ठंड होती है, वैसे वॉशरूम इतना ठंडा होता है। आप तो रूट्स को कर दो, बट रूट्स भी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, आप जला रहे हो एक तरह के बाल, सही है। तो कोशिश करो ल्यूक वार्म वाटर हो, सही है, ताकि आपका आपने अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है। एक दफ़ा तो ठीक है, लेकिन जब बार बार रेपिटेशन एक चीज़ होती है ना, तो इट कैन कॉजेज सिवियर डैमेज इन अ लॉन्ग टर्म। अच्छा डॉक्टर शिफा, जो आपने कहा मेडिकेटेड शैम्पूज यूज़ करने चाहिए, बहुत सारे लोगों को आपने बताना है कि ये मिथ है या ये वाकई ही एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेडिकेटेड शैम्पू बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे आप कुछ अरसे तक इस्तेमाल करो और फिर उसके बाद छोड़ दो, रेगुलर शैम्पू उस पे आ जाओ और पे अल्टरनेट में करते रहो इस्तेमाल। ये नहीं कि अब आपने मेडिकेटेड या कोई किसी से पूछ के रिकमेंडेड शैम्पू यूज किया तो अब आप वही शैम्पू यूज करो, इज इट ट्रू या ये एक मिथ है लोगों ने खुद से? अगर आपको कोई शैम्पू सूट कर जाता है, वो सल्फेट फ्री है, मैं बार बार कहूंगी, और मेडिकेटेड है, ठीक है, और एक अच्छा है, अच्छी कंपनीज भी हैं, ठीक है, इम्पोर्टेड होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो अच्छी आपके बाल बचा रही होती हैं, ठीक है, आपको फॉलिकल बचा रही होती हैं, उनमें यही होती है, दे आर केमिकल फ्री, उनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है, वो झाग नहीं बनाती हैं। तो हमारे पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारे बाल धुल नहीं रहे क्योंकि झाग नहीं बन रही ना। नहीं ना, तो झाग बन रही होती है ना, वो केमिकल होता है ना, झाग बना रहा होता है। तो आप यूज करें, सल्फेट फ्री कहते ही इसी को है, जो झाग ना बनाए, ठीक है। आपको थोड़ा सा कहते हैं इससे ड्राई थोड़े से बाल हो जाते हैं, बट इसमें फिर आपकी पोस्ट केयर भी, हाउ डू यू मॉइस्चर, आपको ऑयलिंग भी इसमें थोड़ा सा, अपनी रूटीन कंडीशनर भी थोड़ा सा करना है इसमें, तो इसमें आपके थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। डॉक्टर शिफा, जो पीआरपी कराई जाती है उसके बाद कहते हैं नहीं करनी है आपने, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इज दैट ट्रू? ये जस्ट मिथ है, कोई भी आपने प्रोडक्ट्स के बाद में नहीं लगानी है, बिकॉज आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। देखिए पीआरपी जो होती है ना, जो हम इंजेक्टेबल आपका प्लाज्मा इंजेक्ट कर रहे हैं आपके स्कैल्प में, आपके फॉलिकल्स को दे रहे हैं, आपका फॉलिकल जो कि डेड हो रहा है, ठीक है, वो प्लाज्मा जाता है वहाँ पे, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा में हीलिंग क्वालिटीज हैं, जहाँ पर जाएगा उस जगह को, अगर मैं फेस पे करती हूँ फॉर किसी के एक्ने स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, तो वो प्लाज्मा जाके इधर रिजुविनेट करेगा, उसके स्कार्स कम करेगा। बालों में जब इन्फ्यूज करूंगी तो वो उसको क्या करेगा, फॉलिकल को की रिग्रोथ करेगा, ठीक है, उसको रिपेयर करेगा। बट आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये सब एक सेशन में पॉसिबल होगा, इट विल रिक्वायर 3-4 डिपेंडिंग अपॉन हिज, वो क्या खा रहा है उसकी, नहीं, क्या ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप कितना डैमेज करके आ रहे हो, डैमेज करना आपको कि आप मुझे जादू की छड़ी घुमाओ और सब कुछ ठीक कर दो। वन सेशन इज नॉट इनफ, बट कुछ होते हैं जो कहते हैं हाँ वन सेशन में मुझे आ रहा है फर्क, बट जब मेरे पास कोई आता है तो आई टेल देम मेरे पास आप आ गए हैं तो यू विल फॉलो व्हाट आई इंस्ट्रक्ट, आपकी डाइट, आपके मल्टीविटामिन शैम्पू में सब चेंज कर रही हूँ, स्ट्रेस भी आपने मैनेजमेंट करनी है अपनी, स्ट्रेस की यू आर टेकिंग अप प्रोसीजर, इन ईजी वर्ड्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में अगर कोई आ रहा है बजट निकाल कर आ रहा है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं इसे कहती हूँ भाई आप ये एक इन्वेस्टमेंट समझो, सो डोंट वेस्ट,
फिर आप बोलोगे 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तो वहीं पे मैं खड़ा हूँ। तो दिस इज़ द राइट टाइम, 3 महीने का गोल दो खुद को, मैंने ये करना है, मैं PRP भी करा रहा हूँ, मैं साथ में मल्टीविटामिंस भी लूँगा, मैं अपनी डाइट भी ठीक करूँगा, मुझे हर तरीके से इसकी तो तब जाकर ना वो उसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिफा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सवाल अभी हमने पूछे भी हैं और बहुत सारे अभी भी कॉलर्स हैं जो आपका वेट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं, वही खड़े हैं कि हम देख सकें, अभी भी उधर ही खड़े हैं, नहीं जा रहे वो। अब खत्म करें यार, अब क्या मुझे देखना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर किसी ने जाना है तो डॉक्टर शिफा का क्लिनिक भी है जिसके बारे में हमायूं आपको लोगों को बता चुके, लेवेंडर, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग F7, गुड, तो आपने इतना हिफ्स कराया मुझे याद हो गया, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।